नमस्कार मेरे साथियों आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर कैसे हैं आप उम्मीद है मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है चलिए और बताएंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है जो हमने प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं क्या आप लोगों ने कर लिए हैं चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार ये कन्फर्म कराएंगे कि आपको आवाज़ ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है चलिए फिर शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर तीन होगा ठीक है और जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का क्या है समावेशन है उसके अंदर ठीक है बहुत अच्छी तरीके से पेपर को सेट किया गया है कि मैक्सिम क्वेश्चन के क्वेश्चन आपको मिल जाए यदि आपने कोई चीज जैसे हमारे पास में चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हिंदी में योजक चिन्ह के बारे में बताइए ठीक है पर्सन चिन्ह के बारे में बताइए तो इसका मतलब यह होता है कि एक चैप्टर उठाइए और उसे कंप्लीट कर दीजिए यदि आपका रह गया है क्योंकि ये टाइम है आपको क्वेश्चन को आपने पढ़ा और क्वेश्चन सोल्व किया ठीक है ना इसलिए मैं आपको इसी तरीके से करा रहा हूं सारी चीजें कि क्वेश्चन आया उसको किया और आगे बढ़ गए और अपने आपको चेक कर लेना कि कहां पर हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ठीक है चलिए देखिये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, है हमारे पास में आज प्रैक्टिस सेट नंबर तीन की तैयारी करेंगे इतनी बात समझ में आ गई सभी के चलिए और तीन की तैयारी करते करते प्यारे बच्चों हम सारे क्वेश्चन करेंगे हिंदी क्या करेंगे पहला हिंदी आएगा ठीक है फिर रीजनिंग आएगा फिर मैथमेटिक्स फिर रीजनिंग फिर हिंदी आएगा इसी तरीके से आता है ठीक है तो चलिए देखिए ये रहा हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कंट तालव्य कंट तालव्य कौन सा है बताइए पहला है ओ है हमारे पास में ठीक है फिर कह रहा, रहा है कि रा है श है ए ए है ए आ है। आ आ है बताइए तो आप कहेंगे सर इसमें हमारे पास में जो कंठ तालव्य होते हैं बोला कंठ भी है तालव भी है ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आप कहेंगे सर ये होता ए ए इसलिए कह रहा हूं सारी चीजें अपनी तैयार करते रहेंगे बताएंगे आप कहेंगे सर ये हो जाएगा और जो मेरे पास में ऊ का उच्चारण होता है कहां से होता है आप कहेंगे सर ये ओट ओट्स होता है ये कहां सा होता है ओट ओट्स होता है जो रे और है आप कहेंगे सर ये मुर्दा सा होता है ये कहां से आएगा मुर्दा सा आएगा जो मेरे पास में ए आ होता है ये कहां से आता है जो मेरे पास में ए आ होता है आप कहेंगे आ जाएगा कंट से आ जाएगा जी बात समझ में आई राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है आगे देखिए कह क्या कि आना जाना आना जाना लगा रहेगा कह रहा है कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होता है आप कहेंगे सर ये रहा है विराम चिन्ह इसे क्या बोलते हैं आप बोलेंगे सर योजक चिन्ह कहा जाता है

कहा है कि सही वर्तनी वाला देखो वर्तनी सही करनी है तो लिखनी पड़ेगी आपको वर्तनी की लिख करके प्रैक्टिस की जाती है कह रहा है कि क्योंकि आपको सब कुछ सही लगेगा कह रहा है कि इसमें क्या आ जाएगा अनौपचारिक यदि आप लिख करके देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर अनौपचारिक हो जाएगा ठीक है चलिए कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है स्वतंत्रता स्वतंत्रता क्या होती है एक भाव है एक फीलिंग है आप क्या है फ्री हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए आपको रैंक लानी चाहिए आप उसके लिए भी फ्री हैं ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ा ही है क्या आप यूपी को टॉप नहीं कर सकते रेलवे में क्या ना? यूपी पुलिस में कर सकते हैं आप टॉप टॉप टेन में भी आ सकते हैं आप टॉप हंड्रेड में भी आ सकते हैं बस कोशिश कीजिए ठीक है जो टाइम मिला है उसकी कदर कीजिए देखिए आपका ये सर जो स्वतंत्रता है मेरे पास में क्या कहेंगे आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर भावाचक हो जाएगा ये रहा इसका बी आंसर ना जाति होगा ना गुणवाचक होगा मुझे मैं मुझे ठीक है ये कैसी सर्वनाम है आप कहेंगे सर ये मेरे पास हो उत्तम पुरुष है कौन सा हो जाएगा आप कहेंगे सर ये उत्तम पुरुष हो जाएगा समझ में आया कौन कौन सा आता है उत्तम पुरुष में आप कहेंगे सर मेरे पास हो मैं आता है मैं आ जाएगा मुझे आ जाएगा मुझको आ जाएगा मेरा हो जाएगा ठीक है मुझको हो जाएगा ठीक है आगे देखिए चाय फीकी है मतलब चीनी नहीं है चाय में इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है परिमाण है सार्वनामिक है गुणवाचक है ये मेरे पास में संख्या बता रहा है देखो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ये विशेषण की बात कर रहा है विशेषण क्या करता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे क्या कहा जाता है विशेषण कहा कहा जाता जाता है है एडजेक्टिव ठीक है ना तो इसमें आप कहेंगे सर ये मेरे पास में चाय फीकी है ना तो इसे क्या कहेंगे आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण परिमाण कुछ नहीं हुआ सर्वनामिक इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं आया सर्वनाम की जगह संख्या बता रहा है आप कहेंगे सर संख्या भी नहीं बता रहा है ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है क्रिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सकर्मक और, और अकर्मक ठीक है अकर्मक जिसमें हमारे पास में कर्म का योजना किया गया हो जिसमें हमारे पास में कर्म तो का योजना किया गया हो पानी बरस रहा है मैं गेहूं पिसवाता हूँ पिसा हूँ पीसना निबंध लिखना ठीक है रुला देना रोना तो क्या हो जाएगा बरसना क्या कहेंगे आप कहेंगे इसका आ जाएगा पानी बरस रहा है क्या बोलेंगे आप कहें सर सातवें का एक आ जाएगा क्योंकि इसका पूरा का पूरा फल कहाँ मिलेगा आपका कहीं सर ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है कर्ता इसमें कर्म नहीं योगा कर्ता पे डिपेंड करता है ठीक है पानी बरस रहा है इतने क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा आज हमारी बारी है कह रहा है कि आज हमारी बारी है तो आज क्या है हमारे पास में कह रहा है कि मेरे पास में आज हमारी बारी है तो आज क्या है आप कहीं सर जो आज शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है क्या है जो क्रिया के बारे में बताता हो क्रिया की विशेषता बताता हो तो उसे क्या कहते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा मेरे पास में ए कह रहेगी निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग में कहा है कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग में देखिए वचन सर्दी सर्दियां बहन बहने गुब्बारा गुब्बारे झाड़ी झाड़ियां झाड़ी झाड़ियों बताइए नोवेगा क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर झाड़ी झाड़िया होती है जब मेरे पास में झाड़ी की बात की गई तो झाड़िया होती है झाड़ियों हो नहीं होता क्या कहेंगे आप कहेंगे सर ये हो जाएगा इसका डी आंसर ठीक है आगे देखिए कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है पूर्ण भूतकाल है सामान्य भूतकाल है संदिग्ध भूतकाल है या आसन भूतकाल तो है तो बताइए का क्या आएगा आप कहेंगे सर इसमें कह है रहा है कि मैं खाना खा चुका था तो क्या जो कार्य था वो पूरा हो चुका ठीक है पूर्ण क्या है भूतकालिक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर पूर्ण भूतकालिक हो जाएगा तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा शायद ठीक है ना कह रहा है कि शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा इस वाक्य में किस क्रिया क्रिया किस काल का बोध करा रही है अपूर्ण तो वर्तमान काल सामान्य भविष्य काल सामान्य भूतकाल है संभाव्य भविष्य काल तो बताइए ग्यारह का आंसर क्या आएगा आपको ये सर शायद की बात कर रहा है तो शायद सायद था हमारे पास में संभावना में पर लेट चल रही है शायद ट्रेन इस टाइम आ जाए तो ये क्या है संभावना है चाहे है? ये संभावना है तो मेरे पास में क्या हो जाए ग्यारह का डी हो जाएगा कह है कि आम खाया जाता है आम खाया जाता है तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा बताइए आम खाया जाता है भाववाच्य होगा कृतवाच्य होगा क्रियावाच्य या क्रमवाच्य बताएंगे क्रमवाच्य होगा खाया जाता है और यदि मुझसे आम, आम नहीं खाया जाता तो भाववाच्य हो जाता ठीक है आपको तकलीफ इसलिए नहीं खाया जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है है कि निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है लड़का जो है कुत्ते को मारता है सीता ने चिट्ठी लिखी रमेश ने गोपाल को मारा ठीक है कविता पत्र को लिखती है कविता जो है पत्र को लिखती है बताइए तेरा का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर सीता ने चिट्ठी लिखी ये मेरे पास में क्या हो जाए कर्म कारक की वजह से गलत आ जाएगा क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बाकी सब क्या है बाकी सब सही है इतनी बात क्लियर हो गई बताइए चले आगे देखिए आगे मेरे पास में देखिए क्वेश्चन ये रहा कि वार्ड कपाट करपट ठीक है ना प्रियंक और हमारे पास में अट्टालिका प्रस्तर ये क्या है आप कह रहे हैं कि किवाड़ शब्द इनमें से क्या है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है तद्भव है तत्सम है देशज है तो पूछ रहा है कि क्या होगा आपका कहेंगे सर जो हमारे पास में किवाड़ होता है कपाट का होता है तो कौन सा हो जाएगा आप कहेंगे सर इसका तो आंसर हम मार देंगे हिंदी में तो हम पूरे के पूरे कर लेंगे इतना तो हमें पता है ठीक है यदि मैं आपसे पूछूं तत्सम शब्द एक दो की बात कर लेते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं तत्सम तद्भाव की बात की जाए आप कहेंगे सर कपाट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा किवाड़ ठीक है फिर मेरे पास में क्या कर्पूर की बात की जाए तो कपूर आ जाएगा क्या आ जाएगा? जाएगा कपूर हो जाएगा फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा कोटि की बात की जाए तो करोड़ होता है क्या हो जाएगा करोड़ हो जाएगा प्रस्तर की बात की जाए तो पत्थर हो जाता है अट्टालिका की बात की जाए तो चट्टान होता है प्रयंग की बात की जाए तो पलंग होता है और क्या और तो आपको याद ही है सारे के सारे उतना मुझे पता है कह रहा है कि पढ़ने वाला निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बोल रहा है कि पढ़ने वाला में क्या कहा है कि पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है देशज की बात कर रहा है तो कृदंत की बात कर रहा है क्रिदंत या विदेश की बात कर रहा है तो बताइए पंद्रह में क्या आएगा आपका आंसर पंद्रह में आ जाएगा क्रिदंत प्रत्यय हो जाएगा क्या हो जाएगा आप कहीं सर पढ़ने वाला में हमेशा कृदंत प्रत्यय होता है निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द को चुनिए युग में असंगत है वो चीज आपसे पूछा असंगत कौन सा है कुटिल सहज होता है ज्योति तम होता है जीवित मृत होता है ताप क्या होता है शीत होता है ताप क्या हो जाएगा आप कहीं सर ताप शीत होता है इतनी बात बताओ समझ में आएगी ठीक है थीके? तो बताएंगे सोलह का हमारे पास में गलत आंसर कौन सा हो जाएगा आप कहीं सर जो कुटिल सहज विलोमार्थी शब्द असंगत है हमारे पास में क्या होता है आपका आंसर कुटिल का होता है सरल क्या कहेंगे आपका कहें आंसर कुटिल का क्या होता है सरल होता है बाकी सब सही है बाकी सब क्या है आपका आंसर बाकी सब बिल्कुल सही है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा सोलह का ए आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही क्या में से एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है हेम हिरण्य गिरा वीणा पानी शारदा वागीसा भारती वाणी बताइए कह रहे कि प्रयाची नहीं है तो आपको खुद ही देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो आपको पता होगा कि हेम का हिरण्य ठीक है क्या हो जाएगा आपका यही है है ये क्या इसका छति आप कहेंगे सर क्षिति किसका होता है आपका कहीं क्षिति क्षितिज क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी का क्या हो जाएगा आपका आंसर ये पृथ्वी का हो जाएगा मेरे पास में किसकी बात करेंगे पृथ्वी की आपका आंसर ये हो जाएगा धरा वसुंधरा अचला वसुंदरा धरा हो जाएगा अचला हो जाएगा ये सब पृथ्वी है कह कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है परिकर का अनेकार्थी नहीं है परिकर का अनेकार्थी नहीं है समूह ठीक है कमरबंद परिवार क्षत्रिय अनेकार्थी नहीं है बताइए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है उन्नीसवे का आप कहेंगे सर क्षत्रिय नहीं है क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर हमारे पास में क्षत्र नहीं होगा समूह परिकर होता है कमरबंद और परिवार ये सब परिकर के होते हैं भवन और भवन का अर्थ किस विकल्प में सही दिया हुआ है? भवन और भुवन बताइए आप जो भवन होता है क्या आवास आकाश होता है चौदह लोक होता है महल होता है गृह होता है बताइए मेरे पास में का क्या जाएगा आप कहेंगे सर का तो बहुत आसान है जो मेरे पास में भवन का मतलब क्या होता है महल होता है भवन ठीक है और जो भुवन होता है उसे बोलते हैं संसार क्या बोलते हैं संसार बोलते हैं और संसार कहीं पे है कहीं पे नहीं है तो क्या हो जाएगा जगत क्या कहेंगे आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा जगत कह कि जिसने ऋण चुका दिया हो जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द के लिए एक शब्द बताना है इक्कीस का क्या होगा आप कहेंगे सर जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलते हैं उऋण बोल बोला जाता है क्या बोला जाता है आप कहेंगे सर उसे बोला जाता है कृतज्ञ नहीं कर्जदार बोलते नहीं ऋण चुकाते कर्जदार कहाँ से हो जाएगा ऋण कहा जाता है उसे ठीक है और ऋणी जो ऋण ले लेता है ऋणी उसे कहा जाता है जो ऋण ले, 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 लेता है और जो मेरे पास उपकार को मानता है उसे कर्तज्ञ बोलते इसलिए एलिमिनेट करना जरूरी है यदि अड़तीस में से 38 नंबर चाहिए आपको हिंदी में तो आपको एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना पड़ेगा क्या होता है आपका आंसर से कर्तज्ञ होता है जो उपकार को मानता हो ठीक है चलिए अच्छी बात समझ में आ गई आगे देखिए कह रहा कि जिसकी दो माए हों उनमें से कौन सा प्रयुक्त शब्द होगा दुआ मातुर होगा दुई मातु का होगा सोतेला या दुई माता ये मेरे पास हो सोतेला या दुई माता हो जाएगा बाईस क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर जिसकी दो माता होती है उसे क्या बोलते हैं दुई मातुर बोला जाता है क्या कहेंगे आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही ठीक है आप मुझे ये बता दो कि अकिंचन किसे कहा जाता है अकिंचन किसे कहते हैं मेरे पास में फिर चक्रधर किसे कहते हैं अकिंचन आप कहेंगे सर अकिंचन वो होता है जिसके पास कुछ ना हो ये वर्ड बहुत पूछा जाता है जिसके पास कुछ न हो ठीक है चलिए नवोढ़ा बताइए ये संधि विच्छेद बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा आप कहेंगे सर नवोढ़ा में क्या हो जाएगा मेरे पास में आप कहेंगे सर ये आ जाएगा नव प्लस उड़ा ठीक है ये तो आप कर ही लोगे संधि तो आप सभी लोग कर लोगे निरी का संधि विच्छेद छह दिन में से क्या है निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या है बताइए आप कहीं सर निरि है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा इसका नी प्लस ई क्या जा हो जाएगा नी प्लस ई हो जाएगा ये रहा और कौन सी संधि आप कहीं सर विसर्ग संधि है कौन सी है विसर्ग संधि है आगे देखिए कह क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शब्द जो है तत्पुरुष समाज का उदाहरण है तत्पुरुष समाज का उदाहरण है सही विकल्प चयन कीजिए क्या कह रहा है कि सही विकल्प चयन कीजिए हरिशंकर है राजपुरुष है पीताम्बर है राजदीन है पीताम्बर है और क्या है मेरे पास में राजदीन है बताइए पच्चीसवे का क्या हो जाएगा आपका आंसर पच्चीसवे का जो राजपुरुष हो जाएगा मेरे पास में उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा क्या हो जाएगा राजपुरुष में आपका आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा जो मेरे पास में हरिशंकर है इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें तो तद्द्वुवंध आ जाएगा जो मेरे पास पिताम्बर है इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर सर पीताम्बर में क्या आ जाएगा बहुवीरी हो जाएगा जो रात दिन है मेरे पास में इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर इसमें द्वंद हो जाएगा इसमें भी क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें द्वंद हो जाएगा आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हमेशा उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो तुम अगर अपना काम पूरा कर ले तो हम खेलने जा सकते हैं कह रहा है कि तुम अगर अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा सकते हैं ठीक है आप कहें अच्छा विधानवाचक होगा संदेहवाचक हो जाएगा निषेधवाचक हो जाएगा या मेरे पास में संयुक्त वाचक हो जाएगा बताइए आप कहेंगे सर में हमारे पास में क्या कहा है आप कहें सर यदि तुमने अपना अगर क्या दिया अगर तुमने अपना काम कर लिया तो हम खेलने जा सकते हैं तो भी है सर, तो क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा यह चीज पूछ रहा संभावना संदेह या, या निस्थ हो जाए या विद्यार्थ हो जाएगा बताइए उसने अपना काम क्या कर दिया होगा खत्म कर दिया होगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपके खत्म कर दिया होगा संदेह है उसे उसे क्या है कंफ्यूजन है कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा बताइए अब हमारे पास में क्या है गद्यान सब पढ़िए आप इसे पढ़ के बताइए ऐसा क्या होगा चलिए सभी लोग बताएंगे मैं एक साइड में हो जाता हूँ आप लोग बताएंगे ठीक है चलिए देखिए कह रहा है कि समाज की विषमता शोषण की जननी है जो समाज की विषमता है शोषण की क्या है जननी है समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा क्योंकि हमारे देश में देश में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक असमानताएं अधिक है जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तो तब पहला प्रश्न यह होता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर भी वस्तु अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं इस प्रकार सभी व्यक्तियों किसी किसी रूप में किसी किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं ठीक है हमारे देश में ऐसे अशिक्षित हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर सड़क और सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे गंदे नालों के किनारे झोपड़ी लगाकर डालकर अथवा किसी भी अन्य तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों के समाज उपयोगी ऊर्जा योजनाओं से वंचित हैं जिन्हें आधुनिक सफेद पोष व्यापारी नौकरशाह तथा तथाकथित बुद्धिजीव वर्ग से मिल, मिलकर बांट लिया है सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है सही मायने में जो शोषण है वो इन्हीं की देन है सरकार कितनी भी कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू कर दे कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता और व्यापारियों द्वारा किए गए किए गए शोषण से ही लिया जाता है जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत तो डॉक्टर है शिक्षक प्रशासनिक अधिकारी पुलिस ऊंचे पर बैठे सरकारी कर्मचारी वकील आदि सभी आते हैं इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान क्षेत्र बनाए हैं कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने लायक हैं कानून के हाथ कितने भी लंबे हो इन सभी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए जब रक्षक भक्षक बन जाए तो कौन बचाए भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है ऊपर ऊपर से से नीचे या नीचे या क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है जो न तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और नही ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न है न सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और न ही अन्य राजनीतिक पार्टी जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती ऐसे बड़े बुढ़े लाचार लोगों की स्थिति और और भी क्या है 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 खराब तो उनकी संसार विहीन संतान ध्यान रखने को तैयार सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है ठीक है बताइए हमारे देश में समाज उपयोगी उदरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है वंचित वर्ग जो है वो कौन सा है चीज आपसे पूछ रहा है बताइए सरकारी पेंशन विहीन जनों का वर्ग है किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग मलिन बस्तियों फुटपाथ सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोंपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग आधुनिक सफेद पोषो व्यापारी और नौकर एवं तथाकथित बुद्धिजीवों लोगों का क्या है वो वर्ग है बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे कि सर हमारे पास में जो अट्ठाईसवा है इसमें आपने क्या पढ़ा है आप कहेंगे सर जब हमारे पास में ये मलिन बस्ती है रेलवे लाइन के बराबर में सो रहे हैं वही हमारे पास में क्या है असख्त लोग हैं वही क्या है मेरे तो पास में असख्त लोग हैं जाएं तो उसी के लिए क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर यही हमारे पास में योजना से क्या होते हैं विमुख हो जाते हैं लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं बोल रहे है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं कह रहे कि पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन और नवकरण वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह उत्पादक करता उत्पादकर्ता जुड़ा हमारे पास में जुड़ा उससे जुड़ा हुआ व्यापारी मंडल नौकर साहब तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग बताएंगे कह रहे कि शोषण का शिकार कौन करता है आपका यही सर इसमें भी कुछ है हमारे पास में वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह यही मेरे पास में क्या हो रहा है इसका शिकार हो रहा है तो उनतीसवे क्या हो जाएगा आपका आंसर उनतीसवे का बी हो जाएगा ठीक आगे देखिए कह है समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है कह कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित उच्च शिक्षित और धनाढ्य घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश ठीक है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा बताइए का क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी क्या हो जाएगा जीवन यापन में आर्थिक परेशानी परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा ठीक है क्या हो जाएगा इसका? का हो जाएगा जाएगा इसका का डी कह रहा है कि समाज उपयोगी और दर्मुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है ये चीज आपसे पूछ रहा है तो थर्टी वन का क्या आंसर आएगा क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर राजनेता व्यापारी वर्ग सरकारी तंत्र तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग समाज के धर्मपरायण पीड़ित और कथावाचक लोग समाज का मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग शिक्षित और संपन्न नौकर नौकर पेशा वर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका ए आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर थर्टी फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही कह कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं बताइए संज्ञा और विशेषण शब्द में अः प्रत्यय है विशेषण और संज्ञा शब्द में रणनिक और इक प्रत्यय होता है विशेषण और विशेषण पद है और इक प्रत्यय है संज्ञा और संज्ञा शब्द है और अनिक और अतिक प्रत्यय है बताइए थर्टी टू का क्या होगा थर्टी टू का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर देखिए शैक्षणिक तो क्या आ जाएगा इक आएगा सांस्कृतिक तो क्या आएगा इक आएगा लेकिन ई जो होगा वो छोटा होगा ठीक है तो विशेषण है ये मेरे पास में भी विशेषण ही हो जाएंगे तो देख लीजिए कहा है आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन है मेरे पास में सी है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और क्या है देवनागरी है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी हमारे पास में तीन अनुच्छेद क्या आ जाएगा आपका आंसर 343 हो जाएगा पैंतीस का डी हो जाएगा थर्टी थ्री का क्या आ जाएगा आपका आंसर थर्टी थ्री का डी हो जाएगा ठीक है ना आगे देखिए आगे क्या है मेरे पास में और मेरे पास में क्या है सी है कह रहे कि भगवती चरण वर्मा की पुस्तक जो है किसकी है मैल आचरण किसकी है आपका आंसर पणिश्वरनाथ रेणु नाथ रेणु है ठीक है चलिए आधे अधूरे और चित्रलेखा क्या हो जाएगा थर्टी फोर का आप कहीं सर यह उपन्यास किसका लिखा हुआ है आप कहीं सर यह लिखा हुआ है चित्रलेखा क्या हो जाएगा आपका आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक है चित्रलेखा हो जाएगा किस मुहावरे का अर्थ क्या है बहुत नाजुक होना ठीक है पानी पानी हो जाना चूड़िया पहनना खिचड़ी खाते पहुंचा उतरा उतरना पहुंचा उतरना ठीक है दूध के दांत ना टूटना दूध के दांत ना टूटना तो थर्टी फाइव का क्या लग रहा है आपको आप कहेंगे सर थर्टी फाइव का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्या कह रहा है कि खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर बहुत नाजुक है उसका क्या हो गया खिचड़ी खाते हुए क्या उतर गया आपका सर पहुंचा उतर गया पानी पानी हो जाना आपका यहीं सर लज्जित हो जाना हमारे पास चूड़िया पहनना आप सर कायर होना दूध के दांत ना टूटना आपका यहीं सर अनुभवहीन होना अभी बच्चा है वो अभी क्या है आपका यहीं सर बच्चा है तो अनुभवहीन है वो आगे देखिए कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है ठीक है विरोधाभास होता है संदेह होता है अर्थान्यास होता है या विशेषक्ति होता है बताइए तो थर्टी सिक्स में क्या आ जाएगा आपके आंसर थर्टी सिक्स में हो जाएगा मेरे पास में अर्थान्यास ठीक है इसमें क्या होता है एक दूसरे की बात को परखा जाता है देखा जाता है कह रहा है कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है पढ़ा भी होगा आपने ठीक है हमारे पास में कितनी है आप लिख लेंगे मेरे पास में कितनी हो जाएगी आपका आंसर ये हो जाएगी मेरे पास में यगण हो जाएगी मगण हो जाएगी लिख लीजिए यगण या माता राज है ना या माता राज लिख लीजिए चलिए मैं इसके ट्री की बात बताऊंगा यगण हो जाएगा मगण हो जाएगा तगण हो जाएगा रगण हो जाएगा ठीक है जगण हो जाएगा भगन हो जाएगा। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा नगन और सगड़ क्या हो जाएगा नगन हो जाएगा सगड़ हो जाएगा और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कितनी दिखाई दे रही है आप कहेंगे सर ये मेरे पास में अभी दिखाई दे रही है दो दो चार दो छह दो आठ कितनी हो जाएंगे आप कहेंगे सर आठ हो जाएगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा आठ हो जाएगा आगे देखिए कह रहा है कि निश दिन बरसत नयन हमारे दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया आप कहेंगे सर श्रृंगार रस का है क्या हो जाएगा श्रृंगार रस का है ठीक है चलिए क्या हो जाएगा इसका डी अब रीजनिंग शुरू हो गई कह रहा है सभी सूर्य जो है पर्व है किसकी बात कर रहा है आप कहेंगे सर बात कर रहे हैं हमारे पास में सभी सूर्य पर्व है सभी सूर्य क्या है आप कहीं सर पर्व है कह रहा कि कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है कुछ पश्चिम जो है पश्चिम यहाँ हो जाएगा और वो क्या है सूर्य नहीं है इसका कोई संबंध नहीं है ये क्या है पश्चिम है कह रहा कि कुछ पर्व जो है सूर्य है कुछ पर्व सूर्य है कुछ पर्व सूर्य है।, है आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो कुछ आता है बिल्कुल सही है सूर्य पश्चिम कि कोई मतलब ही नहीं गलत है क्या हो जाएगा आपका आंसर ए आंसर आ जाएगा इसका हो जाएगा ए क्या आ जाएगा आपका आंसर उनतालीसवें का ए हो जाएगा बताइए उनतालीस का ए आ जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है आगे देखिए ये बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन बताएंगे कैसे करेंगे इसमें दे, दे, देखिए क्या दिया हुआ है कह रहा है कि बी बी ई कोमा बी ई एफ कोमा बी एच आई कोमा सी इसके बाद का कह रहा है कि इसमें कौन सा असंगत होगा चलिए आपको जुगाड़ लगा रहे होंगे सर ए बी 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 यहाँ पे ए आ गया तो यही गलत हो जाएगा आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगा रहे होंगे जुगाड़ सही है वैसे ठीक है तो देखिए कैसे कंसेप्ट देख लेते हैं बी बी ई है तो क्यों ना हो जाएगा दो दो, दो या पाँच हो जाएगा ये किसका स्क्वायर है आप कहीं सर पंद्रह का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा बी ई एफ आप कहीं सर दो हो जाएगा या पाँच हो जाएगा या छः हो जाएगा या सोलह का स्क्वायर है बी एच आई कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ये आठ हो जाएगा ये नौ ये किसका हो जाएगा सत्रह का ये सत्रह का स्क्वायर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका आंसर ये एट हो जाएगा सेवन हो जाएगा ये तीन हो जाएगा जो कि किसका स्क्वायर नहीं है जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी कह रहा है कि 1.5, 1.5 के बाद 5 है इसके बाद में 10.5 है इसके बाद क्वेश्चन मार्क जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है ये कितना बढ़ गया डेढ़ से कितना साढ़े तीन हो जाएगा साढ़े तीन. तीन हो जाएगा ये कितना बढ़ गया पांच बढ़ जाएगा तो क्या समझ में आया आपका आंसर यहां पे देखेंगे तो दो बढ़ रहे हैं तो यहां हैं आपका आंसर दो बढ़ सकते हैं यह कितना आपका आंसर सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा और टेन पॉइंट फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव कितना आपका हो जाएगा देखना अठारह है कहीं पे ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका डी आंसर आ जाएगा और डी में आप क्या जोड़ेंगे आप कहेंगे सर डी में हम जोड़ेंगे नो पॉइंट फाइव तो अपने आप आंसर आ जाएगा एग्जामिनेशन को इमेक्सी नो नोसिया बोला बोला जाता है और हमारे पास में प्रोक्यूमेंट को क्या बोला जाता है ये बोला जाता है तो टेम्प्रामेंट को क्या कहेंगे देखिए कुछ भी नहीं है आपको लग रहा है ना कि ये इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है एक्स भी है एम भी है आई भी है ई बी है सब दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे देखो इसके क्या करेंगे एक दो तीन चार पांच यहां तक देखेंगे कुछ बैठता है आपका आंसर देखो आई आई एम एम ए ए एक्स एक्स ई ई इसका मतलब उल्टा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पांच। एक दो तीन चार पांच हो जाएगा पांच ये दिया हुआ है एक दो तीन चार पांच और ये हो जाएगा छ क्या रहेगा बीच में रहेगा क्या रहेगा मेरे पास में इसे रहेंगे बीच में ये रहेगा मेरे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एन तो ये भी एन हो जाएगा देखो एक दो तीन चार पांच उल्टा लिख दीजिए एन ओ आई टी ए तो देखो ये लिखा हुआ उल्टा तो इसमें शुरू के पांच और बाद के पांच को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है विपरीत क्रम में लिख दिया बस क्वेश्चन हो गया तो इसे भी लिख दीजिए आप ये क्या जो काम ई पी एम हो जाएगा ये हो जाएगा ई टी हो जाएगा ये हो जाएगा आर अब देखो लास्ट के पांच ये हो जाएगा टी हो जाएगा एन हो जाएगा ई हो जाएगा एम हो जाएगा और ये हो जाएगा ए देख लीजिए कहां पर पहला तो ऐसे ही गलत हो गया ई पी एम ई टी आर ई पी एम ई टी आर भी गलत हो जाएगा ई पी एम ई पी एम आएगा तो ये हो जाएगा डी ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए है कि अपने कार्यालय से मैं आठ मीटर दक्षिण चला चलिए भैया ऐसे दक्षिण चला दीजिए क्या करेंगे सर दक्षिण चलाएंगे कितना चला आप कहेंगे सर आठ मीटर चला फिर बाएं मोटा तीन मीटर चला पाई मुड़ा में यहाँ से तो कितना चला आप कहेंगे सर तीन मीटर चला ये रहा तीन मीटर कह रहा है कि चार मीटर उत्तर की ओर चला तरफ चला तो चार मीटर उत्तर की तरफ तो ये रहा मेरे पास वो चार मीटर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर ये चार मीटर हो जाएगा अपने कार्यालय में अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर पर हूँ ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है आपको ये बताना है कि यहां से कितनी दूर है तो देखिए कितना हो जाएगा आपका आंसर यह तीन हो जाएगा यदि यह चार है तो यह भी चार हो जाएगा यह नाइनटी डिग्री है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यह पांच हो जाएगा क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा पाँच तो अगर स्थिर लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास में डी हो जाएगा कह है कि मुगिल नायक भुवन शामिली देखिए भैया क्या कहना चाह रही है देखिए मेरे पास में क्या है इसमें कहा है कि मुगिल है नयंक है भोवना शामिली है और राहुल का एक ही संबंध जो है कि परिवार से है मुगल के पुत्र जो है नयन के पिता मुगिल के पुत्र की बात कर रहा है क्या है मेरे पास में ये मुगिल के पुत्र है मुगल के पुत्र हो गए और ये मेरे पास में ये भी इसके पुत्र हो गए ठीक है देखो ये मुगिल का पुत्र हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा नयंक के पिता ये नयं के पिता हो जाएंगे और राहुल के दादा राहुल के दादा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आप कहीं सर मुगल के पिता हो जाएंगे और राहुल के दादा है इसका मतलब क्या हुआ ये जो है इसके दादा है तो ये क्या आ जाएगा आप कहीं सर ये जो राहुल है ये जो राहुल के क्या हो जाएंगे आप कहीं सर दादा हो गए ठीक है कह रहा है कि सालिनी जो है नयंक की पुत्री है नयंक की पुत्री है इसका मतलब इसकी बहन है कौन है शालिनी चलिए फिर कह रहा है कि भुवन की बहन है इसका मतलब क्या हो? इसका एक बेटा और भी है ये कौन हो जाएगा आपका भुवन हो जाएगा अब कह रहा है कि इस जानकारी के आधार पर क्या कहा है बोल रहा है कि इस जानकारी के आधार पर आपको क्या बताना है आपको ये बताना है कि मुगिल जो है मुगिल का भुवन से मुगिल का हमारे पास में मुगिल का भुवन से क्या संबंध है तो देखो से से का की ओर जाएंगे ये क्या हो जाएगा आप आंसर ये इसके पिता हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे आप आंसर इसके दादा हो जाएंगे ये इसके दादा हो गए ठीक है और इस दादा के क्या हो जाएंगे आप आंसर इसके पिताजी के दादा ये हम क्या कहेंगे मेरे पास में दादा के क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे दादा के क्या हैं आप कहीं सर ये दादा है और दादा के क्या हैं ये पिता है ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दादा के पिता हो जाएगा तो दादा के पिता कहाँ पे आपका यहीं सर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ठीक है क्या आ जाएगा आपका यहीं सर फोर्टी फोर का मेरे पास में बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट ठीक है आगे देखें चलिए आगे चलिए कह रहे कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले और बाद में ई है देखिए ये पास पासवर्ड टी ये पास पासवर्ड टी ये रहा मेरे पासवर्ड टी ये रहा मेरे पास में ठीक ठीक है और मेरे पास में क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर एक और ये रहा देखिए बताएंगे सबको समझ में आ रहा है क्या फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ई टी ई एक ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है ई दिया हुआ है क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये हो जाए एक ही हो जाएगा मेरे पास में ठीक है और एक ही हो जाएगा तो देखिए कितने हो गए आप कहें सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे तो ये राज का डी आंसर क्या हो जाएंगे आपका यहीं सर पैंतालीस का क्या हो जाएगा आपका यहीं सर पैंतालीस का डी हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में आ गई देखिए चार घड़ी चार घड़ी जो है चार बजे का समय दर्शा रही है घर घड़ी घंटे की सुई जो है नब्बे डिग्री अंश के घूमने के बाद क्या समझ नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री घूम रही है जब नब्बे डिग्री घूम रही है मेरे पास में तो आपको क्या लग रहा है यदि मैं आपको घड़ी में बताऊं तो उससे भी लगा लोगे आप निशान यदि किसी को कुछ भी नहीं पता है ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये मेरे पास में ये बारह हो जाएगा ये तीन हो जाएगा छ हो जाएगा ये नौ हो जाएगा वह सुई यहाँ पे है और ये लाइन क्या है एक डिग्री की है और मेरे पास में नब्बे कब बनेगा आप कहीं सर ये नब्बे यहाँ बनेगा तो क्या बच जाएगा सात बच जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप कहीं सर सात हो जाएगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ऐसे भी करना या नॉर्मली करना चाहते हो तो नॉर्मली भी कर सकते हो क्या प्रस्तुत निम्नलिखित में एक में कौन सा चित्र एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करता है चित्र नहीं है इसमें क्या है इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है चलिए चित्र बना देता हूं मैं आपके लिए क्या क्या है चित्र हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है चित्र में ये कहा गया है कि आपके पास में एक क्या है इस तरीके की एक आकृति दी हुई है एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है एक ही हो जाएगी ये थोड़ा नीचे जाएगी और ये यहाँ पर आके मिल जाएगी ठीक है चलिए तो मेरे पास में ये एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा ये तीन है ये चार है ये पाँच है, है और ये क्या हो जाएगा सात क्या हो जाएगा ये सात हो जाएगा और बस क्या नहीं दिया बस में एक चीज़ नहीं दी कि इसमें क्या नहीं है ये इसमें ये नहीं है बस बाकी सब ठीक है हम आपको बताता हूँ कौन सी चीज़, चीज़ क्या है ये जो मेरे पास में ये दिया हुआ है इसे बोलते हैं ठंडा ये ठंडे वाला हिस्सा है ये मेरे पास में क्या है कोहरा है ये वाला हिस्सा क्या गर्म है और ये मेरे पास में क्या बरसाती है मतलब दिन के बारे में बात कर रहा है ये इसके बारे में बात कर रहा है, है दिन के बारे में कह रहा है कि प्रस्तुत वैन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या है गर्म और बरसाती दिन है संख्या क्या है आपका आंसर सर गर्म भी बता रही है और बरसाती भी है तो इसमें कौन सी कॉमन आ रही है आपका आंसर सर पांच कॉमन आ रही है तो पांच ही क्या हो जाएगा राइट आंसर पांच ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अब ये कह रहा है कि नौ गुणा तीन प्लस आठ को क्या बोला गया है चौबीस बोला गया क्या बोला जा रहा है चौबीस बोला जा रहा है दस गुना दो प्लस सात को पैंतीस बोला जा रहा है अस्सी गुना चार को अस्सी गुणा चालीस प्लस तीन को छह बोला जा रहा है तो देखो तीन तिया नौ और आठ तिया चौबीस दो पंजे दस और गुणा सात आप कहेंगे सर पैंतीस चालीस दुनी अस्सी गुणा तीन बराबर छ बारह गुणा तीन बराबर कितना आ जाएगा नौ राइट right आंसर क्या हो जाएगा ना no हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर ना हो जाएगा कह रहे कि यदि डॉक्टर बुखार दवाई और स्वास्थ्य को क्रम में लिखे तो सही क्रम बताइए इसकी बात करें डॉक्टर बुखार दवाई और स्वास्थ्य ठीक है बताइए अरे इसमें इस तो आप खुद भी बता सकते हो बताइए ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को आप कहेंगे सर छोड़ दिया जाए चलिए देख लीजिए बता देते हैं अब आपको पहले क्या हुआ बुखार हुआ आपको पहले क्या हुआ आप कहेंगे सर बुखार हुआ फिर डॉक्टर आया डॉक्टर ने दवाई दी और आपका स्वास्थ्य क्या हो गया ठीक हो गया आपके स्वास्थ्य क्या हो जाएगा आपका आंसर स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाएगा इसका तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर डी आ जाएगा आगे देखिए ये है मेरे पास में कह रहा है कि यहाँ दिए गए चित्र को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया जाता है उस विकल्प का पता लगाए जो इस प्रकार से बने घनों के सतह को सही ढंग से, से दर्शाता है ठीक है ये बताना है ये मेरे पास में ऐसे बनेगा ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसा बनता है तो कह रहा है कि सही ढंग से दर्शाता है बस ये इसके बराबर में नहीं होने चाहिए ये इसकी सतह है इसके बराबर में नहीं होनी चाहिए तो बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा इस पर पचासवें का आंसर क्या लगाएंगे आप कहेंगे सर पचासवें में एक ही चीज सही है, समझ में आ रही है कि मेरे पास में देखो ये ब्लैक वाला है या मल्टीप्लाई है तो इसमें दिखाई दे रहा आप कहेंगे सर हाँ तो ये तो गलत हो जाएगा ये प्लस है ये क्रॉस है ये प्लस दिया हुआ है ठीक है और ये क्या है? मेरे पास वो खाली आपका आंसर विपरीत सतह हो जाए गलत हो जाएगा ये सबसे अलग हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में ए हो जाएगा ठीक है कह रहा है कि सूरज फिल्म देखने नौ दिन पहले गया था नौ दिन पहले गया हुआ था वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता है आज बताइए सप्ताह का कौन सा दिन है जब वो नौ दिन पहले गया था रविवार पड़ता है तो दो दिन एक्स्ट्रा बच गए ठीक है दो दिन क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो सात नौ में से दो सात गए तो दो बच गए दो दिन को रविवार में ऐड कीजिए सोमवार मंगलवार तो आंसर क्या आ गया मंगलवार क्या आ जाएगा आपका आंसर मंगलवार हो जाएगा तो ये रहा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कह रहा है कि नीचे दिए अंकों की श्रृंखला को देखें और कितने विषम अंकों के तुरंत पहले विषम अंक देखने विषम अंक के तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या है सम संख्या है विषम अंक देखना है देखो ये बन गया पहला मेरे पास में विषम अंक देखना है तो मेरे पास में तो ये है ये नहीं होगा ये नहीं होगा मेरे पास में ठीक है तो क्या क्या आ जाएगा आपका आंसर विषम अंक हो जाएगा एक ही हो जाएगा ठीक है फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर एक ही हो जाएगा विषम देखना है आपका आंसर ये नहीं हो जाएगा विषम देखना है मुझे ये नहीं हो जाएगा तो आपके हिसाब से कितने आ रहे हैं आपका आंसर बावन का कितना हो जाएगा आपका आंसर बावन के हो जाएंगे मेरे पास में चार हो जाएंगे तो चौथा कौन सा है वो बताना है आपको ठीक है नौ आ जाएगा सात आ जाएगा पाँच आ जाएगा नौ सात पाँच ठीक है फिर क्या आ जाएगा मेरे पास में मेरे पास में एक आ जाएगा तीन एक तीन चार क्या हो जाएगा एक तीन चार देखो ये क्या हो जाएगी विषम संख्या ये सम ये, ये भी सम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका आंसर एक ही आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे चार हो जाएंगे और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बानवे का ए कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से चित्र तीन किससे ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो चित्र दो चित्र एक से क्या संबंधित है बताइए देखो मेरे पास में चार भाग थे कितने हो गए दो दो चार दो छ दो आठ आठ हो गए और दो ये बढ़ गया कलर ये मेरे पास में कितने एक दो तीन तो कितने हो जाएंगे छे छ हो जाएंगे मेरे पास में और ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये चार हो जाएगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है तो क्या हो जाएगा चार हो जाएंगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो इस जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है गन गन सूट सूट है 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 छेनी छेनी डैश हो जाएगा से से क्या होता? आपका से हो है। क्या होता 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 आपका आंसर नकासी होती है छेनी से क्या होती है आपका आंसर सर होती है तो इसका क्या आ जाएगा चौबानवे का ए हो जाएगा उस चयन उसका चयन करे जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है उसका चयन करे जो दिए गए विकल्पों में से क्या है भिन्न है कह रहा है कि कैल्शियम है मेरे पास में हीरा है सोडियम है पोटेशियम है बताइए आप कहेंगे सर ये तो हमें मिलते हैं खाने से हीरा क्या थोड़ा खाने के दिन मिलता है हीरा क्या खाने में पाया जाता है बताइए तो पचपन पचपन का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर पचपन का हो जाएगा मेरे पास में बी आंसर ठीक है क्योंकि ये सारे के सारे क्या तत्व है ये क्या है आप कहेंगे सर ये तत्व है जो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है ये बताइए अब इसमें कौन सा चित्र सही बैठेगा एक दो तीन चार चार से चार से ये तीन अक्षर हैं तो चार मतलब तीन साइड वाली आ करती है चार वाली बन गई ये पांच वाली है तो छह वाली बन जाएगी छह वाली बन जाएगी तो ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा एक दो कर तो वैसे ही नहीं बढ़ेगा ये बन सकती है ये बन सकती है ठीक है चलिए ये मेरे पास में क्या है आपका आंसर ये मेरे पास में चार है ये होगी गई एक दो तीन ये मेरे पास में क्या है आपका आंसर एक दो है ये मेरे पास में क्या है आपका आंसर ये एक दो है लेकिन क्या बनेगी एक बनेगी क्या बन जाएगी आपका आंसर एक बन जाएगी तो कौन सा आंसर आएगा बताइए छप्पन में आंसर लगाएंगे आपका आंसर छप्पन का मेरे पास में बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही सट बुझ हो जाएगा लेकिन ये सठ बुझ थोड़ी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये अष्टभुज है तो इसका क्या हो जाएगा छह बुझा हो जाएगी देखिए क्या है इसमें देखिए क्या कहा है कह रहा आठ व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं प्रत्येक पंक्ति में चार व्यक्ति हैं ए एफ जी के बीच में ए जो है वो एफ जी के बीच में है और उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं चले बना लेते हैं ये चीज तो बनानी पड़ेगी भैया ठीक है तो देखिए मेरे पास में क्या है मैंने कहा कि जो उत्तर की मुंह उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक लाइन तो ये आ गई है एक लाइन ये हो जाएगी तो क्या कहा है इसमें हमारे पास में कितने हैं आपके यहीं सर ये चार है कितने हैं चार है एक ही हो जाएगा दो ये हो जाएगा तीन और ये हो जाएगा चार एक हो जाएगा दो हो जाएगा ये तीन हो जाएगा और ये हो जाएगा चार और ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं है कि जो ए जो है और जी के बीच में है मैंने मान लिया कि मैंने मान लिया की एफ ये रहा ए ए रहा और जी ए रहा तो क्या बचा एच बचा आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है एच बच गया ए e जो है बी के तत्काल बाई और वो जो है एच के तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है एच के तरफ एच ये है मेरे पास में सी जो है डी और बी के बीच में है एच जो है जी के सन्निक दाइनी और है जी के सन्निकट दाइनी तो ठीक है चलिए तो क्लियर हो ही गया तो इसमें कह रहा है कि इसके सामने खड़ा हुआ मुंह करके सामने खड़ा हुआ है कौन आप बोलेंगे सर ई क्या हो जाएगा आपका आंसर ये ई हो जाएगा और यही मेरे पास में क्या आ जाएगा बी और किसके बीच में है आप कहीं है जो सी है वो डी और बी के बीच में है ये सी हो जाएगा डी हो जाएगा हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन इजीली हो गया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन कौन सा व्यक्ति एक दूसरे की तरफ किए हुए हैं डी एफ है कहीं पे दिया हुआ डी एफ नहीं हुआ सी ए है सी ए नहीं है बी जी है बी जी है ए ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही यह आ जाएगा ए बिल्कुल द राइट आंसर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न एक कथन है उसके बाद दो पूर्व अनुमान दिए हुए फर्स्ट और सेकंड दिए हुए आपको कथन में हर चीज को सही मानना है और पूर्व फिर दो पूर्व पूर्वानुमान पर विचार करना है और नीचे और निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा पूर्व अनुमान कथन में अंतर्निहित है कथन क्या है मेरे पास था? भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है पूर्व अनुमान है कि भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री क्या है ज्ञात है भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम बनता है बताइए अट्ठावनवे का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर इसमें केवल यही कहा है कि जब बिक्री सबसे अधिक हुई है तो इसका मतलब क्या आपके पास में डेटा है आपके पास में डेटा होगा तभी तो बिक्री अधिक होगी मतलब बिक्री का पता चलेगा आप कहेंगे सर बिक्री का हमारे पास में अनुमान है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए और दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो अनुमान ए अंतर्निहित है ये हो जाएगा ए आंसर ये बताइए इसकी आकृति इधर बना दीजिए जब ये इधर बन जाएगा तो मेरे पास में इधर आ जाएगा और इसका फेस अंदर की ओर हो जाएगा और ये आकृति ऐसी दी बताइए ए होगा मेरे पास में ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये इधर पलट जाएगा ए होगा 59 में बी होगा हो हो मेरे पास में आप कहेंगे सर सी होगा या डी होगा आप कहेंगे सर देखिए यह आकृति मेरे पास में ऐसे बना दीजिए ठीक है ये मेरे पास में इस तरीके से बन जाएगी बना दीजिए और ये ऐसा बन जाएगा चलिए ये बन गया अब ये जो निशान दे रखा है इधर से दिया हुआ है इस तरीके से तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ये इस तरीके से बन जाएगा ये गलत हो गया ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसका फेस इधर की ओर आप है आपका आंसर इसका हो जाएगा डी क्या आ जाएगा इसका डी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही कह रहा है कि मेरे पास में दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है ये पाँच का क्यूब है 125 होता है दस का क्यूब है जो दस एक हजार होता है ये मेरे पास में क्या हो जाएगा पंद्रह का स्क्वायर है तो गलत हो जाएगा ये बीस का का क्यूब हो जाएगा क्या होता है आठ हजार क्या जाएगा इसमें संगत आप कहेंगे सर एक सौ दो सौ पच्चीस आ जाएगा ये पंद्रह का स्क्वायर है क्या कहेंगे आप कहेंगे सर ये मेरे पास में पंद्रह का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा ए कला का कहना है कि अरुण की उम्र जो है बयालीस से कम है लेकिन छत्तीस से अधिक है सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र जो है चालीस से कम है लेकिन सैंतीस से अधिक है सुंदर का कहना है भैया कि उनतालीस से अधिक है कम है लेकिन चौंतीस से क्या अधिक है यदि हर कोई अरुण की उम्र के पुराणों के बारे में सही है तो अरुण की उम्र क्या होगी ये चीज आपसे पूछ रहा है एक सठ का आंसर क्या आएगा आप कहेंगे सर देखिए मेरे पास में छत्तीस से तो अधिक है मतलब सैंतीस अड़तीस उनतालीस क्या हो जाएगा आपका आंसर सर सैंतीस देखिए सैंतीस हो जाएगा अड़तीस हो जाएगा ये किसके अनुसार है कला के अनुसार है उनतालीस और ये हो जाएगा इकतालीस क्योंकि बयालीस से कम है उसे छोड़ देंगे छत्तीस से अधिक है छत्तीस को छोड़ देंगे चालीस से कम है तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ सर सैंतीस से अधिक है तो कितना आ जाएगा अड़तीस हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा कह रहा है कि चौंतीस से अधिक है उनतालीस से कम है उनतालीस से कम है तो अड़तीस हो जाएगा चौंतीस से अधिक है तो क्या हो सकता है आपका यहाँ सर सैंतीस हो सकता है मेरे पास वो छत्तीस हो सकता है पैतीस हो सकता है चौंतीस हो सकता है चौंतीस से तो अधिक है ये है अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है सभी के अनुसार आप कहेंगे सर इसमें सभी के अनुसार मेरे पास में अड़तीस को मन आ रहा है क्या को मन आ रहा है आप कहेंगे सर अड़तीस को मन आ रहा है तो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है ऐसे ही करेंगे तुरंत हो जाएगा समझ में आया चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आप कहेंगे सर इसका आ जाएगा बी आंसर देखिए समस्या का हल करना आपको ये मेरे पास में यहाँ पे थी एक छोड़ करके ये आ गई फिर एक छोड़ करके कहाँ चली जाएगी यहाँ फिर इसे छोड़ेगी तो आप कहेंगे सर ये यहाँ चली जाएगी फिर इसे छोड़ेगी तो यहाँ चली जाएगी ये आ गई आप कहेंगे सर इसे छोड़ेगी तो यहाँ जाएगी तो ये वाली आकृति यहाँ होनी चाहिए और यह है मेरे पास बी क्या मेरे पास बी है इसके स्थान पर क्या आएगा चार के बाद आठ है आठ के बाद क्या है सत्रह है सत्रह के बाद तैंतीस है तैंतीस के बाद अट्ठावन है बताइए आप कहेंगे सर ये मेरे पास में क्या दिया हुआ है आप बोलेंगे सर ये मेरे पास में दो का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा चार यदि आप क्या करेंगे ये मेरे पास में क्या दिया हुआ चार ये आठ है ये सत्रह है ये तैंतीस है ये मेरे पास में अट्ठावन है ये कितना हो जाएगा आप कहीं सर इसमें यदि मैं चार जोड़ देता हूँ चार का मतलब दो का स्क्वायर यदि मैं इसमें कितना जोड़ूंगा आप कहीं सर इसमें जोड़ देते हैं नौ मतलब तीन का स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं हम कितने आप कहीं सर सोलह एक हो जाएगा चार का स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं पच्चीस और यो जोड़ने की जरूरत नहीं है तो क्या जाएगा इसका? हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए पुलिस अधिनियम अठारह सौ इकसठ के अधीन लावारिस संपत्ति को बाहर साधक में लिया जा सकता है संपत्ति को बाहर साधक में लिया जा सकता है पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक पुलिस अधीक्षक अधिकारी किस तरह से अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते ठीक है संज्ञा असंघ या सिविल ये मेरे पास मामूली अधिकार मामूली में नहीं होगा कह है कि आपको संज्ञा जब असंघ अपराध होते हैं जब मेरे पास में नॉन कॉग्रिजिबल क्या बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल जब जो हमारे पास में अपराध होते हैं उन्हें बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वारंट होना चाहिए आप। कह रहे कि आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए जब भी इनका पालन करना संभव हो भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो अगर यह उनके उपयुक्त है तो पालन करना सुविधाजनक है बताइए 66वे का आंसर क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर भले ही उनके हितों के क्या हो खिलाफ हो लेकिन आपको करना चाहिए ठीक है तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास में सी हो जाएगा कह रहा है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी सामान्यतः मदद करेगी तो 67 का क्या आ जाएगा बताइए आपका आंसर 67 का मेरे पास में जब अमीर और नामे हस्तों का आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाए तब केवल तभी नहीं यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है बिल्कुल भी नहीं जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तभी पुलिस की मदद करेगी ठीक है तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका इसका सी आंसर आंसर सी आ जाएगा। पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार सभी वर्ग के लोगों को एक, एक दृष्टि से देखना सभी वर्ग के लोगों को एक साथ दंडित करना बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर

अकेले भारत में है। नहीं उन्हें मारना नहीं जा सकता यह लोगों पर निर्भर है हो ही सही हो ए हो जाए। कहा है कि राजा जो है उत्तर पूर्व दिशा में दस मीटर की दूरी पर तय करता है दस मीटर की दूरी तय करता है वह फिर फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है दस मीटर तक चलता है ठीक है क्या चलता है दस मीटर तक समझ में आया यह भी दस मीटर है और यह है बाईस मीटर फिर वह पांच मीटर जो है दूरी तक पूर्व की ओर चलता है चलिए इसका फिगर बना लेते हैं फिगर बना के देखते हैं क्या होता है इसमें इसमें क्या कहा है देखिए कहा है कि राजा जो है उत्तर पूर्व की दिशा में दस मीटर की दूरी तय करता है उत्तर पूर्व की दिशा आप कहेंगे सर देखिए ये मेरे पास में चिन्ह होता, होता है ये ईस्ट होता है मतलब इसे ऐसे लिख लेते हैं ये पूरा हो जाएगा ये पश्चिम हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई ठीक है चलिए तो उसने क्या कहा है? इसने कहा है कि उत्तर की उत्तर पूर्व की दिशा में कितने चलता है दस मीटर चलता है ये हो जाएगा हमारे पास में दस मीटर ठीक है चलिए फिर कहा इसने कि वह पश्चिम की ओर बाईस मीटर चलता है क्या कहेंगे पश्चिम की ओर कितना चलता है पश्चिम की ओर बाईस मीटर चलता है तो चला दीजिए पश्चिम की तरफ बाईस मीटर पश्चिम की तरफ कितना चलता है बाईस मीटर तो ये रहा मेरे पास और बढ़ा दीजिए बाईस मीटर ठीक है ये क्या हो जाएगा ये बाईस मीटर हो जाएगा चलिए फिर कहा इसने कि वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर दस मीटर चलता है दक्षिण पश्चिम की ओर तो दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा आप कहीं सर ये तो इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा बताइए आप कहीं सर ये तो इधर हो जाएगा चलिए दक्षिण पश्चिम की ओर मतलब इसके पैरल क्या हो जाएगा इसके पैडल हो जाएगा कितना चलता है आप कहें सर चलता है हमारे पास में दस मीटर मतलब सेम चलता है समझ में आ गया ये भी मेरे पास में क्या है दस मीटर हो जाएगा ये बाईस मीटर हो जाएगा अब देखिए तेहरा की वह फिर पाँच मीटर की दूरी क्या, क्या करता है पूर्व की ओर चलता है पूब की ओर पाँच मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो देखिए पाँच मीटर की डिस्टेंस ये रही मेरे पास में ठीक है कितना हो जाएगा पाँच मीटर फिर कह रहा है कि वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर तीन मीटर चलता है अब यहां से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मतलब फिर इसी के पैल आ ला जाएगी लाइन समझ तो में आ कितना चलता है तीन कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर यह तीन मीटर हो जाएगा फिर वहां से वह पांच मीटर की ओर पूर्व की ओर चलता है तो फिर यहां से वो पांच मीटर पूर्व की ओर चलता है ये रहा पांच मीटर पांच मीटर चलता है फिर कह रहा है कि वह उत्तर पूर्व की ओर तीन मीटर चलता है उत्तर पूर्व की ओर ठीक है तीन मीटर चलता है ये रहा तीन मीटर ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तीन मीटर और उस स्थान पर जाकर के रुक जाता है ठहर जाता है क्योंकि थक गया देखो कितनी दूर चला है। अब क्या कह रहा कि है कि भैया मैं तो थक गया हूं अब क्या करेंगे अब आप इसे आप आगे बढ़ाएंगे अपने आप वह अपने स्थान से आरंभिक स्थान का मतलब कौन सा ये वाला पॉइंट और जो जहां पर ये ठहरा हुआ है इसका है पॉइंट इनके बीच की दूरी कितनी है ये चीज आपसे पूछ रहा है तो देखो ये पांच है मेरे पास में ये तीन हो जाएगी और ये कितनी है आपका आंसर ये मेरे पास में आठ हो जाएगी नहीं ये पांच हो जाएगी कितनी आप कहेंगे सर ये पांच हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपको लेंगे सर ये मेरे पास में हो जाएगी बारह तो कितनी आ जाएगी आप कहेंगे सर बारह आ जाएगी और बारह ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बारह मीटर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऐसा मत सोचना कि छोटी सी डिस्टेंस बारह मीटर हो सकती है क्या ये केवल एक रफली फिगर है जो मैंने आपको बना के दिखाया है ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने आपको नाप के दिखाया है केवल फिगर बनाया है उसी तरीके से चीजें आएंगी आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जे e, को ये लिखा जाता है और इसे क्या लिखा जाएगा ठीक है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरे के सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहले युगम के अनुरूप संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह क्या लेगा मेरे पास में क्या है ए ई जे है और ये कितना है सी एच एन है ये कितना हो जाएगा आपका आंसर ये एक हो जाएगा ये पांच हो जाएगा दस हो जाएगा यह तीन हो जाएगा ये आठ हो जाएगा ये मेरे पास में चौदह हो जाएगा कितना बढ़ गया आपका आंसर सर दो बढ़ जाएगा ये मेरे पास में तीन बढ़ जाएगा ये मेरे पास में कितना बढ़ जाएगा आपका आंसर सर ये चार कितना बढ़ जाएगा आप बोलेंगे सर यह चार हो जाएगा तो देखिए ई जे ओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए पाँच हो जाएगा ये दस हो जाएगा यह पंद्रह हो जाएगा पाँच के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर सर ये सात हो जाएगा दो बढ़ेगा ये कितना बढ़ जाएगा आपका आंसर सर ये तीन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा तेरह ये पंद्रह की जगह कितना हो जाएगा आपका आंसर ये उन्नीस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा मेरे पास वो उन्नीस क्या है मेरे पास वो आपका आंसर ये उन्नीस है उन्नीस को क्या बोलते हैं एस जी एम एस तो जी एम एस कहाँ हो जाएगा आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर क्या कहेंगे आप बोलेंगे सर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही इतनी बात क्लियर हो गई आगे देखिए क्या कि एक कोड विशेष रूप में बिगिन को क्या लिखा जाता है आप बोलेंगे सर लिखा जाता है वाई एल जे एच के के रूम में कूटबद्ध किया गया है तो बताइए जोनल को क्या लिखा जाएगा जो को क्या लिखा जाएगा देखिए आप कहेंगे सर देखो बी को क्या लिखा जा रहा है वाई लिखा जा रहा है मतलब हो सकता है कि वाई कितना होता है पच्चीस बी कितना होता है दो पच्चीस और दो सत्ताईस मतलब विपरीत क्रम लग सकता है आप कहेंगे सर यहाँ पे ई e कितना है पांच है एल कितना है बारह तो फेल हो गया क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर फेल हो जाएगा बिगिन कितना है मेरे पास में दो है ये पांच है ये मेरे पास में सात है ये मेरे पास में नौ है और ये कितना है चौदह ये ना मेरे पास में आपका आंसर ये पच्चीस है ये मेरे पास में बारह हो जाएगा ये दस हो जाएगा ये आठ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा तो देखिए अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है पांच और तीन आठ नौ और तीन बारह और सात और तीन दस यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ पे एक एक तरीका लग रहा है यहाँ पे तीन जुड़ रहा है बीच में मतलब कितना अक्षर है पांच है इसे भी पांच है तो जो बीच के मेरे पास में तीन है इनका देख लीजिए क्रम क्या है लेकिन आप कहेंगे सर इनका भी तो कर्म बताइए इनका कर्म क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर देखिए यदि मैं यहां से इस चीज को लेके जाता हूं ये वाला कर्म देखता हूं और आपके लिए इस कर्म की बात करता हूं ये वाला तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या चेंज हुआ है दो के बाद ग्यारह आ गया यहाँ पे क्या जुड़ गया नौ चौदह के बाद कितना आ गया मेरे पास में आप कहेंगे सर चौदह के बाद पच्चीस है तो यहाँ पे भी क्या जुड़ गया ग्यारह यहाँ पे नौ जुड़ रहा है यहाँ पे ग्यारह जुड़ रहा है ठीक है तो देखिए ये मेरे पास में जेड है छब्बीस है क्या है मेरे पास में आप कहेंगे सर ये छब्बीस है आप बोलेंगे कि मेरे पास में जोनल लिखा हुआ है जोनल जोनल को क्या लिखेंगे बताइए ये छब्बीस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में इसमें क्या जोड़ेंगे आप आप कहेंगे सर इसमें कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा छब्बीस में यदि आप नौ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताएंगे सभी लोग आप कहेंगे सर आई आ जाएगा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा तो छब्बीस ये पंद्रह हो जाएगा ये चौदह हो जाएगा ये एक हो जाएगा ये हो जाएगा बारह बताइए सभी लोग आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए इसमें और इसमें क्या करेंगे इसमें पहले तीन जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर यह अट्ठारह हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये मेरे पास में चार हो जाएगा ये सत्रह हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास में अठारह क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ये अट्ठारह हो जाएगा तो एक ना आ जाएगा आपका कहीं सर यह मेरे पास में डी आ जाएगा क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा आर डी क्यू आर कहाँ पर डी क्यू आर सब में है और आपको पता होगा कि यही मेरे पास में क्या हो सकता है ठीक है ये गलत है ये लास्ट वाला तो ठीक है चलिए तो अब आपके मन में ये आएगा कि सर आपने तीन तो देख लिया तीन तो बिल्कुल सेम है सभी को पता भी लग रहा है लेकिन जो यहाँ पे जेड है जेड में क्या जोड़ना है ग्यारह सॉरी नो जोड़ना है जब आप इसमें नो जोड़ेंगे तो कहां पर जाएगी बात आप कहीं सर यहाँ पे जाएंगे यदि आप इसमें नो जोड़ेंगे तो यहां पर जाएंगे और नो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका आंसर नो ही तो आएगा और नो क्या होता है आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में आई आना चाहिए ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया तो आंसर क्या आ गया आप बोलेंगे सर आंसर आ जाएगा इसका ए हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखिए आप बारह में ग्यारह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर तेईस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए तेईस होना चाहिए और ये क्या हो जाएगा डब्लू तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा डब्लू डब्लू हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा डी क्यू आर और ये हो जाएगा आई देखो यही सेम आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है ना आगे देखिए कह रहा कि विक्रम ने वेदा से कहा विक्रम ने वेदा से कहा तो ये रहा मेरे पास में विक्रम ये कौन हो जाएगा सर, ये विक्रम हो जाएगा कौन हो जाएगा सर ये विक्रम हो जाएगा मेरे पास में चलिए विक्रम ने वेदा से कहा कि मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी मां इसकी मां कहा है आप कहेंगे सर ये रही इसकी मां ठीक है और ये इसकी मम्मी है और ये कह रही कि इसकी मम्मी है ये रही मम्मी तो कह रहा है इसमें मम्मी के के पति के भाई मतलब इसके पापा ठीक है तो क्या कहेंगे इसके पापा आ जाएंगे जब ये इसके पापा आ जाएंगे तो ये रहा इसके लिए इनके लिए साइन चलिए ठीक है ये क्या हो जाएगी आप सर ये माँ हो जाएंगी और ये कौन हो जाएंगे पिता भाई का सबसे छोटा पुत्र इनके भाई का सबसे छोटा पुत्र ठीक है ना तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर एक काम कर लेते हैं और ये क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर इनका भाई आ जाएगा इनके भाई का सबसे छोटा पुत्र भाई पुत्र तो पुत्र होता है ठीक है ये रहा है आप कहेंगे सर ये कौन हो जाएंगे इसके पिता हो जाएंगे और ये किनका क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा छोटा पुत्र है तो ये लड़का आ जाएगा आप कहेंगे ये रहा लड़का अब ये कह रहा है कि विक्रम का इससे क्या संबंध है देखो ये विक्रम है ये इसके पापा है पापा के भाई है तो इसके क्या लगे चाचा ये चाचा हो जाएंगे चाचा का लड़का क्या लगेगा चचेरा भाई क्या लगेगा चचेरा भाई लगेगा तो देख लीजिए कहां पे? कहां पे हो जाएगा आप कहेंगे सर, ये सर राज का डी आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही बहुत सॉरी बी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है आगे देखिए कह रहे कि निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है स्टोव है फ्रीजर है हमारे पास में बर्फ का टुकड़ा है आप कहेंगे सर जो स्टोव हो गया अलग है

छह मित्र एक दो तीन चार पांच और एक छह मित्र हैं जो केंद्र की तरफ क्या यहां मुख करके बैठे हुए हैं भरत विनोद की ओबाई और है हमें नहीं पता भरत और विनोद कहाँ कहां हो सकते हैं कह रहा है राजेश जो है भरत मुकेश के बीच में ये हो सकता है जो राजेश है ये राजेश ठीक है ये रहा मेरे पास है भरत और ये रहा मेरे पास मुकेश ठीक है भरत और मुकेश के बीच में कौन है राजेश है बात समझ में आ गई अब कह रहा है कि भरत जो है विनोद की बाई और भरत जो है विनोद के ये रहा विनोद के बाई और ये रहा विनोद तो कह रहा है कि जयंत और विनोद और नरेंद्र के बीच में जो जयंत है वो विनोद और नरेंद्र विनोद और नरेंद्र के बीच में नरेंद्र ये रहा और हमारे पास में कौन है कहेंगे सर जयंत ये रहा ठीक है चलिए तो कह रहा मुकेश के बाई और कौन है मुकेश के बाई और कौन हो जाएगा मुकेश ही राज के बाई और हो जाएगा नरेंद्र कौन आ जाएगा आप कहेंगे सर ये हो हो जाएगा जाएगा मेरे पास तो नरेंद्र ठीक है ये राज का का डी आंसर बिल्कुल सही देखो कह कि छह लगातार विषम संख्याओं योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से अड़तीस अधिक है छह संख्याओं का योग निकाले देखो थोड़ा सा अब मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए और मैथ के क्वेश्चन इसमें हाई लेवल के हैं समझ में आया मतलब बहुत अच्छे पेपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन बनेगा हार्ड पेपर अब की बार बना री एग्जाम मैक्सिमम थोड़ा सा टफ होता है ठीक है मतलब मॉडरेट होता है ज्यादा टफ भी नहीं कहेंगे ऐसा नहीं कि बच्चे उसमें सेलेक्ट नहीं होते बच्चे होते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितने भी मैथमेटिक्स के अब आएंगे कह रहे हैं कि छह लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से के दुगने से क्या है अड़तीस अधिक है छह संख्याओं का योग निकाले क्या हो जाएगा मैं मान लेता हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस टू हो तो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा एक्स एक्स प्लस टू ठीक है मैं ना मान लिया ऐसे ठीक है वैसे भी करके दिखाऊंगा लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा आपका लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा इन आ जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा एक्स प्लस के फोर ये हो जाएगा मेरे पास में एक गया, हो गया तीन हो गया पाँच हो गया एक तीन पाँच अब क्या आएगा आपका आंसर अब आ जाएगा सात तो प्लस के क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा ठीक है प्लस क्या हो जाएगा आपका आंसर प्लस आ जाएगा मेरे पास में प्लस हो जाएगा एक्स प्लस के भाई एक तीन पाँच हो जाएगा सात सात यहाँ, यहाँ पे आ जाएगा छः क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे छ आ जाएगा क्या हो जाएगा छः हो जाएगा प्लस मैं आपको एक बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ ठीक है ना कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा एक्स प्लस के कितना हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में दस हो जाएगा एक संख्या दो तीन चार पाँच और छः ये इसके क्या कहा इसने कहा कि बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या है इसमें मेरे पास में कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा ये नौ हो जाएगा कितना हो जाएगा आप सर ये ग्यारह हो जाएगा मेरे पास में ये नौ हो जाएगी तो देख लेंगे एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर लिख लेता हूँ इस तरीके से ठीक है ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा एक्स प्लस एट हो जाएगा एक्स प्लस टेन हो जाएगा तो मेरे पास में सबसे बड़ी संख्या ये है और इससे कितना है आप सर अड़तीस अधिक है ठीक है चलिए सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच तीन चार छः प्लस कितना हो जाएगा दस हो जाएगा दस धोनी बीस तीस हो जाएगा और कितना आ जाएगा टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा बीस और ये हो जाएगा अट्ठावन कितना हो जाएगा आपका आंसर ये अट्ठावन हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास में, पास में चार एक्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आप बोलेंगे सर अट्ठाईस और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सात एक्स की वैल्यू सात आ जाएगी तो इसमें क्या रहेगी सब छः संख्याओं का योग निकालना है क्या बोल रहा है आपको इसकी संख्याओं का योग निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बयालीस हो जाएगा छुना सात प्लस के तीस आ जाएगा कितना हो जाएगा छह सत्य बयालीस प्लस कितना हो जाएगा तीस बराबर कितना आ जाएगा बहत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका आंसर बहत्तर आ जाएगा थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है इस तरीके से भी कर सकते हैं आप आगे देखिए कह क्या रहेगी एक बेटा तीन ऑफ क्या है नो है छह गुना चार माइनस क्या है बारह अनु बारह भाग छ है और माइनस के दो है तो इसे हल कर लेते हैं पहले इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तीन प्लस के चौबीस हो जाएगा छः दूनी बारह और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आप कहेंगे सर एक आ जाएगा ये कितना बच जाएगा ये एक बच गया ये हो जाएगा माइनस का एक और इसकी पावर कितनी है एक बटा दो ठीक है बताइए कितनी बात समझ में आएगा ये कितना आ जाएगा छः चौक चौबीस हो जाएगा तीन हो जाएगा चौबीस और तीन कितना हो जाएगा सत्ताइस और ये कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर ये आ जाएगा चार माइनस का एक चौबीस तीन सत्ताईस सत्ताईस की पावर कितनी है एक बटा दो कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपका आंसर एक बटा दो हो जाएगा इसमें कुछ मिसिंग है छुट रहा है कुछ क्या हो जाएगा छः बटे बारह हाँ इसमें गलत दे रखा थोड़ा सा दोबारा देखिए दोबारा करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे पहले आपका आंसर पहले से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा तीन ऑफ नो हो जाएगा तो तो तीन ही आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करके एक बटा तीन गुणा क्या आ जाएगा नो प्लस कितना हो जाएगा चौबीस माइनस इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा दो प्लस के तीन माइनस के कितना आ जाएगा दो की पावर कितनी है एक बटा दो यही तो दिया हुआ है बताएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर तीन किया नौ हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर यह सत्ताईस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तीस में से हमारे पास में चार जाएंगे तो क्या बच जाएगा छब्बीस बचेगा क्या बच जाएगा आपका आंसर छब्बीस बच जाएगा चलिए क्या करेंगे आपका आंसर छब्बीस बचेगा देखते हैं कहाँ तक जाएगी कहानी चलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका आंसर अनरूट छब्बीस आ गई आ जाएगी अंडर रूट छब्बीस आ जाएगा घबराना नहीं है कि कटेगा बाद में देख लेंगे कटता होगा पांच ठीक तो जाएगा, जाएगा है और इसकी पावर क्या है एक बटा दो देखते हैं और बीच में भाग लगा हुआ है सोलह पांच इक्कीस हो जाएंगे सोलह और पाँच कितने हो जाएंगे इक्कीस हो जाएंगे और ये मेरे पास में छः और ये कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा छब्बीस ये क्या हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा एक बटा दो छब्बीस की पावर कितनी हो जाएगी आपका आंसर सर एक बटा दो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया अंडर रूट छब्बीस बटा में क्या आ जाएगा अंडर रूट छब्बीस हो जाएगा इसलिए डरना नहीं है कभी कभी क्या होता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती ठीक है एग्जामिनर के हिसाब से चलती है कि सर ये कट तो नहीं रहा कहीं पर गलती तो नहीं होगी ऐसा विचार आता है मन में ठीक है जैसा मेरे मन में आया आपके मन में ऐसा आ सकता है आगे देखिए ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा आप कहेंगे सर आ जाएगा आपका सतीसम सात गुणा क्या तेरा ठेक हो जाएगा तेरह सौ चार कितना हो जाएगा आपका आंसर यह हो जाएगा आठ अठी छप्पन प्लस ये है छत्तीस सिक्स पॉइंट टू ठीक है कितना हो जाएगा आपका आंसर यह आ, मेरे गे गे या ये आ जाएगा मेरे पास में सिक्स पॉइंट टू का क्या हो जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में सिक्स पॉइंट टू आ जाएगा चले देखिए सिक्स पॉइंट टू हो जाएगा देखते हैं इसका आंसर प्लस ये क्यूब है तीन का क्यूब है ये ये तीन का क्यूब है सत्ताईस सत्ताईस और बराबर में दे रखा है दो सौ इकसठ तो कितना आता है आपका आंसर दो सौ सोलह तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में थ्री पॉइंट एट जीरो एट यह आ जाएगा अब देखिए ना दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास में थ्री पॉइंट जीरो एट हो जाएगा तो एट ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा मेरे पास में नौ इसमें ऐड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास नौ नौ और आठ सत्रह हो जाएगा सत्रह ये हो जाएगा सात और ये हो जाएगा पाँच कितना आ जाएगा आपका आंसर टू एट आ जाएगा तो पाँच सौ सतहत्तर पॉइंट टू एट तो ये राज का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका कहेंगे सर सी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही मतलब सी के आसपास आ जाएगा मेरा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है कह रहा है कि एक लड़का जो है दो रुपये और दस रुपये क्या कह रहा है बताएंगे आप कहेंगे सर इसमें जो हमारे पास में जो लड़का है उसके पास में दो रुपये और दस रुपये और तथा पांच रुपये लागत वाली तीन अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है वो कलम पर कुल एक सौ सत्तर रुपये खर्च करता है अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी ठीक है तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी देखो ऐसे चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको सोचना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि मुझे मेरे पास में कितने हैं मेरे पास में दस रुपये हैं ठीक है कलम की संख्या बतानी है तो कितनी कलम खरीद सकते हो और देखो कितनी है आपके आनी चाहिए एक सौ सत्रह ठीक है चलिए देखिए मैं कहूँ कि मेरे पास में क्या है इसमें मैं सोचूँ आपके लिए आप कहेंगे सर एक काम कर लीजिए क्या करेंगे एक काम कर लीजिए कि आप एक सौ सत्रह एक सौ सत्रह किससे डिवाइड होता है तेरह से ठीक है तेरह नंबर एक सौ सत्रह तो तेरह देखते हैं तेरह किस तरीके से बन पाता है कि एक सौ सत्रह भी बनेगा नहीं बनेगा आप कहिए सर देखिए मेरे पास में तेरा ले लिया मैंने मान लिया माना अब ये क्या हो जाएगा कि इसमें दस रुपए की कितनी मान लेता हूं मैं भाई दो रुपए हैं ठीक है दस रुपए हैं और ये मेरे पास में क्या है पांच रुपए है और अलग अलग कलम खरीदनी मैंने कहा कि दस की मैंने ग्यारह कलम खरीद ली तो एक सौ दस हो गया क्या हो जाएगा आप कहीं सर मैंने ग्यारह कलम खरीद ली तो कितना हो जाएगा एक सौ दस रुपये हो जाएगा और इसकी कितनी ख़रीद लेता हूँ आप कहीं सर एक काम करो ग्यारह तो ये हो गई एक ये हो जाएगी मेरे पास में कितनी हो जाएगी पाँच और एक दो रुपये वाली ख़रीद लीजिए आप कितनी हो जाएगी दो रुपये हो जाएगी ठीक है तो कितना हो जाएगा आप कहें सर टोटल हो जाएगा मेरे पास में दो रुपये कितना आ जाएगा आप कहीं सर दो रुपये तो ये रहे दो रुपये ये रहे एक सौ दस रुपये ये रहे प्लस पाँच रुपये ये रहे तो एक सौ सत्रह रुपये तो बन रु� गए एक सौ सत्रह रुपए तो हमारे बन गए ठीक है फिर कह रहा है कि जो कलम की संख्या है कितनी है आपने दस रुपये कितनी खरीदी ग्यारह खरीदी दो रुपए की एक खरीदी पांच रुपए की एक खरीदी तो कितना हो जाएगा? आप कहीं सर तेरा? तो उसका राइट आंसर तो राइट क्या हो जाएगा आप कहीं सर तेरा हो जाएगा ऐसा मेरे मन में आया आप इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो एक एक नियम लगा के भी इसे कर सकते हो ठीक है आगे देखिए ये देखिए डेंजरस क्वेश्चनों में से एक है ठीक है बताइए कह रहा है कि एक पहाड़ी क्षेत्र में क्या दिया हुआ है एक पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है दो शहरों के बीच बस का किराया जो है उनके रुपये उनके रुपयों में उनके बीच की दूरी के वर्ग के पांच गुना है उनकी दूरी के जो किराया है उनके बीच की दूरी के वर्ग का पांच गुना है ठीक है चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में जो खर्च दे रखा है ना जो मैं क्या दे रखा है जो खर्च हो जाएगा रुपये में वो पांच गुना क्या है दूरी का स्क्वायर है ये इसने कहा है ठीक है ये पहली लाइन से स्पष्ट हो गया दिखाई दे रहा है सभी को देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन सारे करके आने हैं देखो क्या कह रहा है कि सर हमारा मैथ कमजोर है भैया कोई दिक्कत नहीं है बस आप देख लीजिए उसी टाइप को आप रीड कर लीजिए एक दो बार ठीक है जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये डेपिटेटिव हैं बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन आप इन्हें क्या करेंगे बार बार देख लीजिए ऐसी वीडियो मैं और भी बनाऊंगा आपको आपके लिए और भी वीडियो अपलोड होंगी तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं यही आपका सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगी आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है केवल मैथ सोल हो जाए उतना बनना है बस ठीक है तो देखिए अब इसमें क्या कहा है कह रहा है कि सीधे रास्ते से ए से ए से शहर जो है बी की दूरी जो है आठ किलोमीटर है चलिए देखते हैं ए से शहर की दूरी कितनी है आठ किलोमीटर तो कितना आ जाएगा आपका आंसर सर आठ स्क्वायर पाँच गुना क्या हो जाएगा चौंसठ कितना आ जाएगा पाँच चौक बीस दो पाँच तीन सौ बत्तीस कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर तीन सौ बत्तीस तीन सौ बीस रुपये पाँच चौक बीस दो पाँच चीस तीन सौ बीस रुपये क्या लगेगा हमारा किराया लगेगा ठीक है इतना खर्च आएगा कह रहा है बीस से ए तक जाएंगे और सी से डी से होते तो हुए पहुंचा जा सकता है ये तरीका बताया है जहां शहर ए से शहर सी की दूरी कितनी है तीन किलोमीटर है दूरी तीन किलोमीटर तो, तो तीन गुना पाँच का स्क्वायर नहीं पाँच गुणा तीन का स्क्वायर पाँच गुणा क्या दूरी तीन किलोमीटर है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका एंसर पाँच गुणा तीन का स्क्वायर प्लस सी से शहर सी से शहर डी की दूरी कितनी है तीन किलोमीटर है क्या हो जाएगा पाँच गुणा तीन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कह रहा है कि डी से बी की दूरी कितनी है चार किलोमीटर है तो पाँच गुणा क्या आ जाएगा आपका आंसर चार का स्क्वायर हो जाएगा देख लीजिए जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर नौ पंजे पैंतालीस हो जाएगा ये भी पैंतालीस हो जाएगा सोलह पंजे अस्सी हो जाएगा नब्बे और एक सौ सत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास में एक सौ सत्तर आ जाएगा तो तीन सौ बीस में से एक सौ सत्तर घटा के देखिए जीरो पांच हो जाएगा ये हो जाएगा एक सौ पचास क्या आ जाएगा आपका आंसर सर एक सौ पचास आ जाएगा देखो कितना हार्ड लगा और है कितना कितना शॉर्ट क्वेश्चन है डेढ़ सौ रुपये लगेंगे तो डेढ़ सौ रुपये ये रहे क्या हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही अस्सी का डी कह रहा है कि एक बोतल में चालीस लीटर शुद्ध शराब है चालीस लीटर क्या है शुद्ध शराब हो गई जिसमें पच्चीस प्रतिशत क्या है निकाल ली जाती है इसका मतलब क्या हो जाएगा एक बटे चार एक ना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा चालीस और इसका एक बटे चार कितना दस लीटर आ जाएगा ठीक है फिर इसे उसी पानी उस उसे पानी की उतनी मात्रा के साथ बदल दिया जाता है इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत होगा प्रतिशत पूछ रहा है दो बार दोहराया जाता है किसे चालीस वाले को कितने से दस से और इसी पावर की आ जाएगा आपका आंसर दस आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास तीन नौ बटे सोलह ठीक है कितना हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा आठ पंजे चालीस आठ दो नौ सोलह आठ नम बहत्तर बटे दो कितना आ जाएगा आपका आंसर छत्तीस प्रतिशत आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर छत्तीस प्रतिशत हो जाएगा छत्तीस प्रतिशत होना चाहिए चारिकार चार में से गए तीन तीन बटे नौ नौ बटे सोलह चालीस कितना आ जाएगा हो जाएगा हो तो या जाएगा मेरे पास में कि अच्छा आठ पंजे चालीस क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर आ जाएगा मेरे पास में आठ पंजे चालीस आठ दो सोलह और पांच पैंतालीस पैंतालीस बटे दो साढ़े बाईस साढ़े बाईस आ गया बताइए साढ़े बाईस भी हो सकता है आंसर आपको बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं हो सकता ठीक है तो नौ बटे सोलह आ जाएगा अच्छा हाँ कह रहा है यहां तक तो ठीक हो गया कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में ये लाइन नहीं पढ़ी आपने अंतिम मिश्रण की बात करा भैया अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास में पैंतालीस बटा दो ठीक है साढ़े बाईस आ जाएगा तो साढ़े बाईस मतलब पैंतालीस बटा दो की वैल्यू आपको किस पर निकालनी पड़ेगी ओवरऑल पे निकालनी पड़ेगी ओवरऑल कितना है आपका आंसर सर चालीस लीटर तो पैंतालीस बटा कितना हो जाएगा दो गुणा चालीस गुणा क्या हो जाएगा सौ इस पर निकालनी है ठीक है डरना नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ये जीरो कट गई तो दो दुनी चार हो जाएगा दो पंजे दस हो जाएगा ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में चार से काटेंगे यहीं कितना हो जाएगा चारिकम चार चारिकम चार चार दुनी आठ गुणा पाँच तो ग्यारह पंजे पचपन पचपन समथिंग आएगा पचपन पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब क्या आ रहा है छप्पन आ रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका छप्पन परसेंट आ जाएगा कितना हो जाएगा आप कहीं सर छप्पन परसेंट आ जाएगा बिल्कुल सही ठीक है चलिए क्या रहेगी पहली संख्या के समझ में आ गया ना यहाँ तक देखो सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं मैं ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां तक जरूरत होगी वहां तक बहुत शॉर्ट किया जाएगा क्वेश्चन को समझ में आया चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पहली संख्या देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये आपने किया होगा परसेंटेज में और बहुत आराम से किया होगा इस क्वेश्चन को ठीक है ना इसमें कहा है कि पहली संख्या जो है सत्तर प्रतिशत दूसरी संख्या के पैंतालीस प्रतिशत तीसरी संख्या के तीस प्रतिशत का योग इसका योग की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा योग देख ली तीस के वर्ग से तीस का वर्ग है और उससे भी कितना एक सौ दो एक हजार बीस अधिक है केवल लैंग्वेज समझिए बस जो लैंग्वेज में लिखा है उसे डायरेक्ट लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है संख्या मैंने मान ली मेरे पास में क्या x है तो सत्तर एक्स बटे क्या हो जाएगा सो प्लस कितना पैंतालीस एक्स बटे सो हो जाएगा प्लस बटे में क्या हो जाएगा आप कहें तीस एक्स बटे में क्या हो जाएगा सो बराबर कितना हो जाएगा तीस के वर्ग का प्लस एक हजार बीस ठीक है ये है तो नौ 900 नौ सौ में यदि आप एक हजार जोड़ेंगे तो उन्नीस सौ और ये हो जाएगा उन्नीस सौ बीस ठीक है क्या हो जाएगा मेरे पास उन्नीस सौ बीस हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास यदि काटना चाहते हो तो काट सकते हो ये कट गया ठीक है ये इससे जीरो से जीरो कट गया ये मेरे पास उन्नीस सौ बीस है चलिए कितना आ जाएगा आपका आंसर सर दस दस को आ रहा है तो ये फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा कैसे ना भी काटो एक का एक काम करो किसी से मत काटो किसी से भी मत काटो फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो कितना हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा उन्नीस सौ बीस दो जीरो लगा दो बात खत्म पहली समीकरण तो ये हो गई ठीक है ऐसे ही रखना है जो का डरने वाली बात नहीं है कह रहा है कि पहली पहली लाइन क्लियर गई चलिए दूसरी लाइन में दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है कह रहा है मेरे पास में यदि आप इसे एक्स ना मान करके इसे क्या कर सकते हैं आप इसे वाई मान लीजिए इसे क्या करेंगे आप एक काम कर लीजिए सफाई मान लीजिए इसे जेड मान लीजिए क्या हो जाएगा तीस जेड हो जाएगा यह पैंतालीस वाई हो जाएगा ठीक है जिसे ऐसे मान लीजिए आप इसे और आसान हो जाएगा कि मेरे पास में क्या हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड तो फिर इसमें क्या कहा है इसने कहा है कि जो दूसरी संख्या है जो मेरे पास में तो वाई है ठीक है ये कितनी है आप कहें पहली संख्या से दो गुनी है पहली संख्या से क्या है आप कहें सर वाई बराबर टू एक्स ये तो दूसरी समीकरण हो जाएगी दूसरी लाइन क्लियर हो गई ऐसे ही पढ़ना है लाइन बाई लाइन फिर कहा है कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच का अंतर दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर तीस का वर्ग है तो मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या का जो अंतर है वो तीस का वर्ग है मतलब नौ है यह हो जाएगा मेरे पास में तीसरी हो जाएगी इसकी वैल्यू यहां पे निकाल देंगे देखिए क्या आएगी आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी? की आ जाएगी 900। सौ एक्स की वैल्यू 900 आ जाएगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी नौ दूनिया अट्ठारह ये हो जाएगी अट्ठारह सौ ठीक है चलिए अब देखो सारा काम किससे पूछ रखा है तीसरी संख्या से पूछ रखा है करके तीसरी संख्या के बारे में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं हम तो बता देंगे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका सर इसमें वैल्यू रखेंगे तो नौ सत्य तिरसठ आ जाएगा नौ सत्य तिरसठ कितना हो जाएगा आपका सर तिरसठ हज़ार हो जाएगा प्लस इसकी इसमें रखेंगे तो अट्ठारह पंजे दो जीरो हैं अठारह पंजे नब्बे पंजे नब्बे हो जाएगा तो नौ हो जाएगा और अठारह चौक बहत्तर बहत्तर नौ कितना हो जाएगा इक्यासी ये इक्यासी हज़ार हो जाएगा प्लस के तीस जेड हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा आपका आंसर एक सौ बानवे तीन जीरो ठीक है इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर सर तिरसठ चार हो जाएगा इक्यासी में भाई इक्यासी में यदि आप तिरसठ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा चार और ये हो जाएगा एक सौ चवालीस तो एक सौ चवालीस और तीन जीरो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा तीन जीरो ये हो जाएगा मेरे पास में आठ हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका आंसर सर यह चार आ जाएगा और तीन से कट जाएगा एक बार ठीक है ती से तीन से काटेंगे तो तीन गम तीन ये हो जाएगा तीन सौ अठारह और यह आ जाएगा सोलह सौ तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका आंसर जेड बराबर आ जाएगा सोलह सौ अब 1600 सो के बारे में क्या रहा है कि 1600 सो जो है उसका पांच बटे सातवा भाग और तिरसठ बटे सौ और छोड़ना नहीं है बहुत बच्चे होंगे जो इसे छोड़ देंगे इससे कैंसिल हो गया सात नम तिरसठ हो जाएगा ठीक है पांच दुनी कितना हो जाएगा दस हो जाएगा दो दुनी चार हो जाएगा ठीक है दो दुनी क्या हो जाएगा दो दुनी मेरे पास में चार हो जाएगा अब देखिए दो नम अठारह और अठ आठ संग बयालीस तो कितना आ जाएगा इकाई का आपका आंसर इकाई का कांग दो आ जाएगा इसका मतलब ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल हो गया या फिर सोलह लंबा एक सौ चवालीस कितना हो जाएगा आपका आंसर सोलह लंबा एक सौ चवालीस गुना दो ठीक है कितना आ जाएगा आपका आंसर देखिए सोलह लंबा एक सौ चवालीस और ये आ जाएगा दो दो चौकाठ दो चौकाट दो एक दो सौ अट्ठासी आ जाएगा कितना आ जाएगा दो सौ अट्ठासी तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे करना है बताइए कुछ है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्वेश्चन अपने आप ही उड़ जाएगा चले मेरे सरों बताइए ये बताइए सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए क्वेश्चन में कहा है कि एक पेन के आवरण की लागत जो है तीस प्रतिशत बढ़ जाती है आवरण की बात कर रहा है जो ऊपर का पेन होता है ना उसकी बात कर रहा है और जो कैप की लागत है बीस परसेंट बढ़ जाती है पैन का विक्रय मूल्य कितना आपका कहेंगे सर साठ प्रतिशत बढ़ जाता है मूल रूप से पेन का आवरण और कैप जो है कुल लागत का कितना है आप कहीं से क्रमश चालीस रूपया और साठ रुपया होते हैं अगर वास्तविक लाभ जो है पेन की वास्तविक लाभ का एक चौथाई था तो क्या रहेगी उसका नया अनु, अनुपानित, अनुमानित अनुमानित लाभ क्या होगा ये चीज आपसे पूछ रहा है तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी आपको वो क्या है वो देखिए पेन की आवरण का मूल्य कितना देखा चार चालीस दे रखा है जो मेरे पास में पेन का आवरण है वो कितना है चालीस है और इस कितना 30 पर कितना बढ़ गया आपका कहीं सर चालीस का तीस प्रतिशत बढ़ गया तो एक सौ तीस बटे की आ जाएगा सौ ये कट गया तो तेरह चौका का बावन फिर कह रहा है कि जो बीस प्रतिशत बढ़ गया साठ का कितना बढ़ गया बीस प्रतिशत एक सौ बीस आ जाएगा सौ क्या हो जाएगा 12 छिक बहत्तर कितना आ जाएगा चार सात और पाँच बारह सात और पाँच बारह और ये कितना है टोटल आपका कहें सर ये मेरे पास में सौ है मेरे पास में कितना है आपका कहें सर ये मेरे पास में सौ हो जाएगा बताइए बात समझ आ साठ का, हो जाएगा? एक बटा चार। 60 का आपका आंसर साठ का जो वास्तविक लाभ है वो एक बटा चार है तो कितना आपका आंसर पंद्रह रुपये कितना है पंद्रह रुपए तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा आपका आंसर ये कितना हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा एक सौ पंद्रह कितना आ जाएगा एक सौ पंद्रह आ जाएगा तो ये 115 किसका देख रखा आपका आंसर ये अब कितना बढ़ रहा है आपका आंसर साठ प्रतिशत बढ़ जाता है तो 115 का 160 सौ बटे कितना आ जाएगा 100 ये इतना बढ़ जाता है तो कितना आ जाएगा पाँच दुनिया दस पाँच थे पंद्रह पाँच दुनिया दो अठे आपका आंसर सोलह दो अठे सोलह हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर एक हो जाएगा एक आपका आ गया तो लाभ कितना हो जाएगा आपका आंसर एक और ये कितना आ जाएगा आपका आंसर एक सौ हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा एक आ जाएगा हो जाएगा आपका आंसर जीरोगा मेरे पास में आपका आंसर ये मेरे पास में साठ आ गया लेकिन ये साठ किसका आया ये साठ किस का आया आपका आंसर एक सौ चौबीस पे ये जो साठ आया ये एक सौ चौबीस पे आ गया और ये हो जाएगा मेरे पास में जीरो ठीक है अब देखो चार थी बारह होते हैं चार ही चार ये होता है मेरे पास पंद्रह सौ का साठ ये हो जाएगा पंद्रह सौ और इकतीस से काटोगे तो कितनी बार काटेगा देखिए ये हो जाएगा मेरे पास में तीस तीस पंजा डेढ़ सौ और ये चार बार कटेगा पांच बार तो नहीं कटेगा पाँच 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 से पंद्रह तो चार बार चार से काटिए चार ही चार हो जाएगा चार या बारह कितना हो जाएगा छः ये हो जाएगा दो ये हो जाएगा साठ दो सौ साठ ठीक है आप इसे काट के देखिए तीन सौ तीन अट्ठे चौबीस तीन अट्ठे चौबीस तो आठ बार काटिए कितना हो जाएगा आपका कहीं सर आठ कम आठ आठ या चौबीस कितना बचा दो बच गया एक बच गया ये हो जाएगा जीरो ठीक है फोर्टी एट पॉइंट जीरो तो देखिए तीन चौक बारह ठीक है तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही बताइए बच्चों यहां तक समझ में आएगा ये क्वेश्चन ट्रिक ही है बस समझते रहना तुरंत करते रहना ठीक है इसलिए आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं जो मैंने किया है ठीक है आगे देखिए ये बताइए कैसे करेंगे हमें तो हिंदी की जरूरत है है ना चले कोई इंग्लिश का बच्चा होगा तो इंग्लिश भी पढ़ सकता है बताइए कहा है कि सम आर्टिकल्स वर वाज

इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत लाभ बे, लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर टेन परसेंट की हानि लेकर के बेचा गया कुल प्रतिशत का लाभ बताना है बताइए खुद बता देंगे मैं करूं देखिए मेरे पास में क्या मैंने मान लिया कि मेरे पास सीपी तो वन कितना है सो मान लेता हूँ सीपी टू भी मैंने मान लिया सो कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए ठीक है जो मेरे पास में मार्क प्राइस है कितना हो जाएगा आपका आंसर एक सौ पच्चीस हो जाता है और ये दूसरा कितना हो जाता है आपका आंसर बीस एक सौ बीस हो जाता है एक सौ बीस हो जाता है तो यहाँ से क्या कह रहा है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अंकित करने के लिए टेन परसेंट की हानि होती है तो देखिए एस पी वन कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में एस पी वन हो जाएगा एक सौ पच्चीस का एक सौ बीस एक सौ पच्चीस एक सौ बीस बटे कितना आ जाएगा सौ हो जाएगा पच्चीस पंजा एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सौ चार ठिया बारह ये हो जाएगा डेढ़ सौ ठीक है एस पी टू कितना हो जाएगा मेरे पास में एक सौ पच्चीस का कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर एक सौ दस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर सर ये एक हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा आपका आंसर सो आ जाएगा एक सौ पच्चीस गुना कितना टेन परसेंट की हानि है टेन प्रतिशत की हानि है तो सॉरी एक नहीं आएगा कितना आ जाएगा नब्बे आएगा क्योंकि हानि हो रही है ना तो नब्बे आ जाएगा ये ऐसा कट गया ये ऐसे काम कीजिए मत काटिए पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सौ ठीक है चार दुनिया आठ यह मेरे पास में कितना आ जाएगा आप कहीं सर चार से भी काटेंगे तो भी ये कट नहीं रहा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में आप कहीं सर दो सौ पच्चीस बटे दो मान लेता हूँ मैं से दो सौ पच्चीस बटे दो हो जाएगा चलिए तो मेरे पास में यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी कितना आ जाएगा आपका आंसर ही आ जाएगा मेरे पास में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सो तीन सौ देखो डेढ़ सौ तीन सौ हो जाएगा तीन सौ और दो सौ पच्चीस पाँच सौ पच्चीस बटे दो पाँच सौ पच्चीस बटे दो आ जाएगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है

एक सौ पच्चीस बटे कितना आ जाएगा चार सौ गुणा क्या हो जाएगा सो ये हो जाएगा मेरे पास में जीरो आप कहेंगे चार सौ कैसे हो गया दो को नीचे ले आया मैं ठीक तो है तो कितना आ जाए चार हो जाए चार ही कम चार हो जाएगा चार दुनिया आठ देखिए मिलता जुलता कहीं से? कहीं ये आंसर हमारा आया मिलता जुलता है क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है ये रहा का डी आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका डी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही है रवि को पच्चीस सौ रुपए की आवश्यकता थी उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली ए को पांच प्रतिशत के ब्याज पर दिया और बी को सात प्रतिशत दिया यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल कुल ब्याज कितना है एक सौ साठ रुपए है तो उसने ए से कितनी राशि को उधार लिया ये चीज आपसे पूछ रहा है कितनी राशि को उधार लिया ये चीज आपसे पूछ रहा है बताइए तो देखिए मेरे पास में क्या है आप कहेंगे सर देखिए मेरे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये हो जाएगा मेरे पास में कि एक्स जो है मैंने मान लिया ये कितना दे रखा है टाइम आप कहेंगे सर ये एक वर्ष के लिए दे रखा है फिर हमारे पास में राशि कितनी हो जाएगी आपका आंसर पच्चीस सौ माइनस एक्स हो जाएगी गुणा कितना दे रखा आपका आंसर सात और टाइम दे रखा एक बटेकिन आ जाएगा सौ और इसके बराबर कितना आपका आंसर एक सौ साठ एक सौ साठ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा पाँच एक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा पच्चीस सौ सात से भाग करेंगे सात से गुणा करेंगे तो जीरो जीरो सात पन्ने पैंतीस तीन सात तीन चौदह और तीन सत्रह माइनस के सात एक्स हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा सोलह हजार सोलह हजार हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर सोलह हजार हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास में ये हो जाएगा दो एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास में सोलह हजार इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास तो पांच जीरो सोलह हजार को घटा दीजिए अब इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स बराबर क्या आ जाएगा सत्रह हजार पांच सौ और ये हो जाएगा सोलह हजार तो कितना आ जाएगा आपका आंसर सर ये पांच सौ हो जाएगा ये हो जाएगा पंद्रह सौ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साढ़े सात सौ क्या आ जाएगी आपका एंसर एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास में एक की जो राशि हो जाएगी एक की राशि क्या हो जाएगी साढ़े सात सौ हो जाएगी तो ये राशि का बी आंसर क्या हो जाएगा आपका एंसर इसका बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही एट्टी फाइव का बी क्या रहेगी दस हजार दो सौ चालीस रुपये पर पच्चीस प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से प्रति छह माह पर आका गया डेढ़ वर्ष की का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो खुद कर लोगे इसमें क्या डायरेक्ट फार्मूला लगाना है सी वाला ठीक है चलिए कह रहा है कि जो पिछहत्तर हजार रुपये ये देखो ये हमारे पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो देखिए ए ने पिछत्तर हजार रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया बी कुछ समय के बाद में सैंतीस हजार पाँच सौ के साथ में उसे उसमें शामिल हुआ यदि वर्ष के अंत में तीन अनुपात तीन अनुपात एक के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीनों बाद शामिल हुआ था बी जो है कितने महीनों बाद शामिल हुआ था ये चीज पूछ रहा है जो पिछहत्तर हजार है ये बारह महीने के लिए शुरू किया गया आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है फिर मेरे पास में सैतीस कुछ टाइम बाद में उस समय के बाद में कहा इसने तो मेरे पास में जो सैंतीस साढ़े सैंतीस हजार है वो तो बारह माइनस एक्स हो जाएगा आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है और इसी का प्रॉफिट कितना दे रखा तीन अनुपात एक है चलिए तीन जीरो से तीन जीरो नहीं कटेगी दो जीरो कटेंगे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी बिल्कुल ठीक है ठीक है आप इसे बटे में भी कर सकते हैं आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में पंद्रह पा पिछहत्तर हो जाएगा पचास और ये हो जाएगा पंद्रह दूनी तीस पंद्रह पंजे पिचहत्तर ठीक है चलिए पच्चीस दूनी क्या हो जाएगा पचास हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर चौबीस और ये क्या हो जाएगा बारह बटे एक्स हो जाएगा बारह माइनस एक्स ये हो जाएगा तीन बटे तीन बटा एक तीन चौबीस हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी चार क्या आ जाएगी बी कितने महीने बाद शुरू किया उसने आपका आंसर चार चार महीने बाद वो आया ठीक है चार महीने बाद वो क्या हुआ शामिल हुआ यही हमारे पास में इस तरीके का पैटर्न यूज करना है कह रहा है कि बीस पुस्तकों का मूल्य कितना है बीस का मूल्य कितना आप कहेंगे सर चौदह रुपये तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा चौदह दो अट्ठाईस तो बीस गुना कितना हो जाएगा चौदह ये हो जाएगा दो सौ अस्सी रुपये जबकि इनमें से अट्ठारह पुस्तकों का मूल्य कितना है तेरह रुपये अट्ठारह का कितना है आपका कहेंगे सर तेरह रुपये तो अठारह तीस चौवन हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा चार योजना पाँच अट्ठारह अट्ठारह अठारह पाँच तेईस हो जाएगा चलिए दो सौ चौंतीस हो गया कितना हो जाएगा आपका आंसर दो सौ चौंतीस हो गया कितना बचा आपका आंसर छ ये बच जाएगा मेरे पास में चार बच जाएगा, कितना बच जाएगा? सर, सर, बच जाएगा। तो कितना बच गया आपका आंसर ये छालीस बच गया बताइए कितना बच गया चालीस तो पहली पुस्तक कितनी हो जाएगी आपका आंसर ये एक्स हो जाएगी दूसरी हो जाएगी मेरे पास में छालीस माइनस के एक्स ये मैंने मान लिया कि इनका क्या है कि बची दो बची हुई दो पुस्तकें अगर एक का जो मूल्य है दूसरी का कितना है इक्कीस दशमलव जीरो पाँच है इसने क्या कहा इक्कीस दशमलव जीरो पाँच है इसने दूसरी का कहा तो मेरे पास में ये पहली हो जाएगी ये मेरे पास में क्या हो जाएगी आप कहीं सर पहली है और दूसरी का कितना कहा है इसने छालीस माइनस के एक्स इक्कीस दशमलव जीरो पाँच बटे कितना आ जाएगा सो हो जाएगा ठीक है तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए क्या हो जाएगा आप कहें सर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे तो आ जाएगा मेरे पास सौ तो एक्स हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा छालीस माइनस के एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इक्कीस जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर सर ये एक सौ इक्कीस हो जाएगा एक सौ इक्कीस जीरो एक्स हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इक्कीस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर सर ये आ जाएगा नौ सौ दो अट्ठे छाण में छाण में नौ सौ नौ सौ अड़सठ ठीक है तो एक्स की वैल्यू से भाग करेंगे तो नौ सौ अड़सठ बटे कितना आ जाएगा एक सौ इक्कीस जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा मेरे पास में आठ के आसपास आएगा कितना आ जाएगा आठ रुपये के आसपास आएगा तो ये रहा इसका आठ रुपये ठीक है क्या हो जाएगा आपका आंसर आठ रुपये आ जाएगा और क्या हो जाएगा आठ रुपये दे दिया सर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है आठ रुपये आ गया और जो दूसरी पुस्तक है हमारे पास में आपका आंसर सर छालीस माइनस के आठ बराबर कितना हो जाएगा अड़तीस कितना हो जाएगा आपका आंसर ये अड़तीस रुपये आ जाएगा तो ये रहा इसका राइट आंसर ऐसे करना है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के हल्के में नहीं लेना इन क्वेश्चनों को ठीक है इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको देखिए कह रहा है पिता है माँ और बेटा है समय जो है एक परिवार की औसत आयु कितनी है अड़तीस है इसे तो खुद ही करना पाँच साल पहले पिता की उम्र जो है माता की उम्र से पच्चीस प्रतिशत अधिक थी माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना है इकतीस है आज से यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा इकतालीस तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी चलिए मैं ही बता देता हूँ बताएंगे सर खुद करेंगे मैं ही करके दिखाऊं सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि मैं ही करूं या आप लोग करोगे सर समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन इसमें ज्यादा कुछ खास थोड़ी है चलिए नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में क्या है फादर है मदर है और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा इनके सन हो जाएंगे इसका औसत आयु है आपका आंसर तीन गुणा अड़तीस कितना हो जाएगा आपका आंसर तीन अट्ठाईस चौबीस दो तीन नौ दो ग्यारह तो कितना आ जाएगा एक सौ चौदह कि पांच साल पहले पिता की उम्र माता की उम्र से एक सौ पच्चीस अधिक थी पांच साल पहले पांच साल पहले की बात कर रहे हैं माता की उम्र जो है कितनी थी एक सौ पच्चीस बटे सौ पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पच्चीस चौका सौ ठीक है ये है तो चार एफ माइनस क्या आ जाएगा बीस बराबर हो जाएगा पांच एम माइनस कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा पच्चीस ठीक है तो चार एफ माइनस कितना हो जाएगा फाइव एम बराबर आ जाएगा मेरे पास हो माइनस के पांच ये ले लिया पहली समीकरण ये भी मेरे पास हो पहली समीकरण हो जाएगी ये हो जाएगी दूसरी फिर कहा है कि माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना है इकतीस है माँ और बेटे मदर और सन के बीच की आयु का अंतर कितना हो जाएगा इकतीस दे रखा है फिर कह रहा है कि यदि आज बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर इकतालीस है सन और हमारे पास हो फादर सन और फादर के बीच में कितना दे रखा है इकतालीस दे रखा है चलिए तो पिता की आयु क्या होगी कुछ भी नहीं होगी देखिए आप कहीं सर ये क्या करेंगे जोड़ देंगे यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ये तो कट जाएगा एम माइनस एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास ये तो कट गया ना कितना हो जाएगा दो ही हो जाएगा सात तो बहत्तर हो जाएगा और ये समीकरण कितनी आई हुई है आपका आंसर ये मेरे पास में आई हुई है और एफ माइनस के फाइव आई एम बराबर है माइनस के पांच ठीक है एक काम कर लीजिए इसकी वैल्यू समय रख दीजिए या चार सा मल्टीप्लाई कर दीजिए चार एम माइनस क्या हो जाएगा चार एफ लेकिन मुझे तो क्या करना है मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी मुझे वैल्यू निकालनी है फादर की क्या पूछा है आप कहीं सर पिता की आयु पूछी है तो यहाँ से डायरेक्ट पिता की आयु निकाल लीजिए पिता क्या हो जाएगा आप कहीं सर मदर को समान कर लीजिए पाँच से मल्टीप्लाई कीजिए तो पाँच एम माइनस के पाँच एफ कितना हो जाएगा पाँच दून दस पाँच सत्ते पाँच सत्ते पैंतीस पैंतीस और एक छत्तीस हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा फोर एफ माइनस कितना हो जाएगा फोर एफ माइनस कितना हो जाएगा फाइव एम हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के पांच। जोड़ के देखिए ये इसे कैंसिल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर आप कहेंगे सर फाइव एम हो जाएगा फोर एफ माइनस के फाइव एम और मैंने क्या किया फाइव से ही मल्टीप्लाई की मुझे केवल फोर ये फोर एफ है ये फादर है ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आप कहीं सर एक काम कीजिए इसे दोबारा लिखिए इसे क्या करते हैं दोबारा लिखते हैं अब यहाँ से देखिए अब एक काम कीजिए फादर की वैल्यू लिखनी है ना तो एम को इधर एफ को इधर भेज दे तो बहत्तर प्लस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख दीजिए तो फोर एफ माइनस कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सर पाँच कितना आ जाएगा यहाँ से आप कहीं सर ये आ जाएगा पाँच और ये हो जाएगा बहत्तर प्लस के एफ हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा माइनस के पाँच कितना आ, आ जाएगा आपका आंसर सर फोर एफ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा पांच दिन दस पांच सत्तर पैंतीस तीन सौ साठ माइनस के क्या आ जाएगा पांच एफ आ जाएगा बराबर माइनस के ये आ जाएगा पांच ठीक है तो देखिए माइनस हो जाएगा तीन सौ पैंसठ हो जाएगा बताइए इधर जाएंगे तो तीन सौ पचपन हो जाएगा तो पांच जब तीन सौ पचपन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर इसे काट करके एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलेंगे सर एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास हो पचपन आ जाएगी यहाँ से यदि आप इन दोनों से सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी पचपन वर्ष आ जाएगी तो सोल्व करके देखना समझ में आ गया पहली समीकरण ये हो गई और चेक कर लेना सभी लोग सभी लोग क्या करेंगे इन समीकरण को मिला करके चेक कर लेंगे इतनी बात समझ में आ गई चलिए आगे देखिए बताइए अब समझ में आ गया कर लेंगे अब तो आगे ठीक है कर लेना पचपन ये है इसका आंसर आएगा देखिए क्या आनंद और रवि जो है एक काम को बारह दिनों में क्या कह रहे हैं अच्छा अच्छा दोबारा अच्छा कैलकुलेशन ठीक है ठीक है देखिए चलिए देखिए यहाँ पे ये मेरे पास में तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कितना आ जाएगा आपका आंसर एम माइनस के कितना आ जाएगा एम माइनस के एफ हो जाएगा पाँच एम माइनस के फोर एफ पाँच एम माइनस के यदि मैं यहाँ से लूँ तो कितना आ जाएगा आपका आंसर पाँच एम माइनस के कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा पाँच साल पहले आपका आंसर एम माइनस के एस मदर और सन कितना आ जाएगा इकतीस हो जाएगा और एफ माइनस के एस कितना हो जाएगा एफ माइनस के एस एक्स हो जाएगा इकतालीस एक काम करते हैं एफ़ माइनस के एस ये कितना हो जाएगा आपका आंसर ये इकतालीस हो जाएगा ठीक है तो ना क्या कर दीजिए घटा दीजिए ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा एम माइनस क्या हो जाएगा एफ़ हो जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका आंसर माइनस के दस आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस के दस हो जाएगा अब इसकी वैल्यू को उठा के रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में एफ माइनस के एम बराबर हो जाएगा दस ठीक है चलिए Osionfish. तो क्या करेंगे आपको मदर साम सेम करनी पड़ेगी तो पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच एफ हो जाएगा माइनस के पांच एम हो जाएगा बराबर हो जाएगा पचास अब डायरेक्ट रखूंगा मैं अब नहीं करूंगा दोबारा ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका चार एफ हो जाएगा माइनस क्यों ना हो जाएगा आपका पांच एम हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस के पांच आ जाएगा ठीक है देखिए आप कहीं सर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस तो देखो ये कैंसिल हो गया एफ बराबर कितना आ जाएगा पचपन अब समझ लो ठीक है ना आ गया ना समझो सभी की हाँ सर आ गया ठीक है बहुत बढ़िया अब बता रहे हैं कि सर हो गया सर करने की जरूरत नहीं थी नहीं अब आप, आपने अब आप एक पूछता है तो ऐसा लगता है ना कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए सब बच्चों की समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने दोबारा किया है बताइए अब इसमें भी कुछ है क्वेश्चन में इसमें देखिए कह रहा कि है कि आनंद है रवि है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आनंद और रवि है क्या कहा है इस क्वेश्चन में कहा है कि जो आनंद है और रवि है आनंद हो गया रवि हो गया ये बारह दिनों में कोई काम करते हैं रवि हो गया चिन्ह में हो गया ये कोई काम कितने दिनों में करते हैं सोलह दिनों में करते हैं और चिन्ह में हो गया और हमारे पास में क्या हो जाएगा आनंद हो गया कोई काम अड़तालीस दिन में करते हैं तो कितना हो, हो जाएगा आपका आंसर अड़तालीस हो जाएगा बारह चौक अड़तालीस हो जाएगा सोलह थी अड़तालीस हो जाएगा और अड़तालीस का अड़तालीस हो जाएगा चार तीन सात सात अरे कितना हो जाएगा आठ बराबर हो जाएगा दो ए प्लस के आर प्लस क्या हो जाएगा सी दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा चार आ जाएगा तो चार बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस के आर प्लस के सी हो जाएगा ठीक है फिर कह रहा है कि रवि जो है अकेले उसे कितने दिनों में करेगा किसकी बात कर रहा है रवि की बात कर रहा है रवि रवि ये रहा रवी. रवी मेरे पास में मुझे चाहिए क्या ए और सी चाहिए तो ए और सी क्या हो जाएगा एक तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका आंसर सर तीन आ जाएगी टोटल वर्क कितना है मेरे पास में अड़तालीस है तो तीन से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा कितने दिन आ जाएगा सोलह सिक्सटीन डेज आ जाएगा तो देखिए सिक्सटीन डेज कहाँ है आप कहेंगे सर ये रहा इसका बी आंसर क्या हो जाएगा इसका बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही आगे देखिए कैलाश एक काम को जितने समय में करता है रिचा उसी काम को उतने समय के आधे में कर देती है खुद कर लेना इस क्वेश्चन को अब देखो नो पाइप है ये पाइप वाला करा देता हूं हो सकता है कि कुछ बच्चे छोड़ दें सर है ना क्योंकि पाइप वाले से बहुत दिक्कत होती है कह रहा है कि नो पाइप एक टैंक से भरे जुड़े हुए हैं जिनमें कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को क्या कर रहे हैं भर रहे हैं प्रत्येक भरने वाला पाइप जो है खाली टैंक को चौबीस घंटे में भर सकता है जबकि जब प्रत्येक प्रत्येक खाली 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 करने वाला पाइप जो है 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 घंटे में पूरी पूरी तरह तरह से से टैंक टैंक को कर सकता यदि भरा हुआ है, सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक जो है नौ घंटों में खाली हो जाता है टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या होगी ये चीज आपसे पूछ रहा है ये चीज आपसे पूछ रहा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा ठीक है क्या हो जाएगा बाढ़ में हो जाएगा तो देखिए यहां से मेरे पास में डायरेक्ट लिखूंगा मैं इस चीज को ठीक है तो कितना आ जाएगा आप कहीं सर ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स बटे कितना हो जाएगा आप कहीं ओल्ड मेथड लगाएंगे एक्स बटे अट्ठारह हो जाएगा माइनस कितना दिया आप कहीं सर नौ माइनस के एक्स बटे कितना आ जाएगा आप कहीं सर ये दे रखा है चौबीस और टाइम कितना दे रखा है आप कहीं सर एक बटा नौ क्या हो जाएगा एक बटन नौ हो जाएगा तो वैल्यू रखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा देखिए मेरे पास में यहाँ पे चार रखूंगा चार चाहिए चौबीस से हो जाएगा मेरे पास में एक्स चार चार बटे अट्ठारह तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी की वैल्यू आ जाएगी चार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी? इसे ऐसे ही सोल्व करना है ठीक है? है और देखना है ठीक है आगे देखिए कि एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है कुछ देर बाद उसकी कार जो है खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य तक बस से जाना पड़ता है बस की गति के मुकाबले जो कार की कार के मुकाबले तीन बटा चार है जिसके कारण वह वे व्यक्ति पंद्रह मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है यदि कुल यात्रा सौ किलोमीटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई होगी ये चीज आपसे पूछ रहा है कितने समय कार चलाई होगी ये चीज ये पूछ रहा है तो बताइए बताएंगे क्या है आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ भी नहीं करना है मेरे पास में क्या हो जाएगा अस्सी है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है अस्सी है तो कितनी चलाई तीन बटे चार तो कितना हो जाएगा आपका आंसर सर बीस से साठ हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर ये मेरे पास बीस से साठ हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कितनी है आपका आंसर सर सौ किलोमीटर है कितनी है सौ किलोमीटर है पंद्रह मिनट का टाइम दिया तो कितना हो जाएगा आपका आंसर एक बटा चार हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे पास में एक बटे चार हो जाएगा अब एक बटे चार हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर एक्स बटे अस्सी आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा सौ माइनस के एक्स हो जाएगा बटे में क्या आ जाएगा आपका आंसर साठ कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा और ये हो जाएगा सो बटे अस्सी प्लस क्या हो जाएगा एक बटे चार हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे पास में आप कहेंगे सर मेरे पास में एक बटे चार आ जाएगा बताइए सो माइनस के एक्स बटे साठ हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा सो बटे अस्सी और एक बटे चार आ जाएगा ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आप इसे काटोगे तो दो पंजे दस हो जाएगा और ये आ जाएगा दो चौक आठ चार आ जाएगा पांच और ये हो जाएगा छह दो बटे तीन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे रखेंगे बीस चौक अस्सी हो जाएगा बीस से कट कट रहा है ये और चालीस चालीस कितना हो जाएगा अस्सी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी चालीस तो समय कितना बता रहा है आप कहीं सर चालीस मेरे पास में कितना हो जाएगा चालीस और चालीस बटे क्या हो जाएगा साठ तो ये कट गया कितना आ जाएगा आप कहें सर दो दो तीन छः हो जाएगा कितना आ जाएगा आप कहीं सर ये मेरे पास में चालीस बटे अस्सी आ जाएगा तो एक बटा दो कितना हो जाएगा घंटा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आप सर ये मेरे में कितना आ गया इतने किलोमीटर आ गया ठीक है टाइम मुझे निकालना है तो चालीस बटे क्या हो जाएगा अस्सी हो जाएगा यही तो टाइम आएगा तो चालीस दुनी अस्सी हो जाएगा गुना साठ कितना तीस मिनट हो जाएगा तीस मिनट कहाँ है देखिए आप कहेंगे सर तीस मिनट मेरे पास में ए है क्या हो जाएगा मेरे पास में तीस मिनट हो जाएगा इसका आंसर बताइए ऐसे ही रफ्तार से क्वेश्चन करने हैं मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ कि स्पीड कितनी होनी चाहिए कि जिसे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए समझ में आया चलिए एक मिनट रुकिए है, हैंग हो रहा है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीस मिनट हो जाएगा समझ में आया क्या कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर तीस मिनट हो जाएगा ठीक है अब हुआ क्या आ जाएगा इसका ए आंसर बिल्कुल सही आगे देखिए कह रहा है कि जो एक है इमारत के बीच की इतना गैरवी मंजिल पर लिफ्ट से जाता है सत्तावन मंजिल पर सत्तावन मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है और उसी समय वाई जो है वाही उसी इमारत से का इक्यावनवी मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और तिरसठ मंजिल प्रति मिनट की दर से क्या होता है नीचे उतरता है यदि वे इन गतियों की यात्रा करना जारी रखते हैं तो मेरे पास में देखिए आप कही सर ग्यारह तो मेरे पास ग्यारहवीं मंजिल ये है और इक्यावनवी ये है तो कितनी मंजिल हो जाएंगी आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में कितनी मंजिल पड़ेगी भाई ग्यारहवीं मंजिल है ठीक है मिलने का टाइम पूछ रहा है तो मेरे पास में ये मंजिल हो जाएगी और एक मंजिल ये, ये ग्यारहवीं मंजिल है और यह कौन सी है आप कहेंगे सर ये इक्यावनवी मंजिल है क्या हो जाएगा इक्यावनवी मंजिल हो जाएगी तो और जो मेरे पास में ये दोनों है मंजिल दोनों है ये इनके बीच की कितनी हो जाएंगी टोटल आपका आंसर चालीस भाई ये क्या वन है तो कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों आपका आंसर सर चालीस मंजिल हो जाएंगी ठीक है अब देखिए अब जो इसकी जो स्पीड है इन दोनों की सापेक्ष गति हो रही है तो कितनी हो जाएगी आपका आंसर सर सत्तावन और वो कितनी दे रखी है आपका आंसर तिरसठ दे रखी है ये इनकी चाल हो जाएगी ये हो जाएगा मेरे पास में कितना हो जाएगा टोटल चाल टोटल एस कितनी हो जाएगी सत्तावन प्लस कितना हो जाएगा तिरसठ जीरो हो जाएगा सात पचास दूसरी बारह तो एक सौ मंजिल पर घंटा है ना प्रति मिनट मंजिल प्रति मिनट ये आ गया ये हमारे पास में क्या है इतनी स्पीड आ गई चाल आ गई अब ये क्या कह रहा है अब इसमें ये कहा है कि मेरे पास में जो दूरी है वो कितनी है यहां से टाइम निकाल लेंगे आप कहीं से टाइम तो निकल ही जाएगा कितना हो जाएगा चालीस मंजिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक सौ बीस चार बारह तो एक बटे तीन इतने मिनट हो जाएगा और एक बटे तीन क्या हो जाएगा आपका आंसर एक बटे तीन को सेकंड में बदलेंगे या हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा आपका आंसर एक बटे तीन मिनट आ जाएगा इसे लिख लीजिए एक बटे तीन मिनट तो यहां से दूरी कितनी आ जाएगी आपका आंसर देखिए दूरी एक से दूरी देखिए आप बोलेंगे सर ये मेरे पास में क्या है कितना हो जाएगा आपका आंसर एक बटा तीन हो जाएगा सत्तावन तीन गम तीन ठीक है कितनी हो जाएगी आप कहीं सर इतनी हमारे पास में इतनी मंजिल की दूरी तय करेगी ठीक है कितना आ जाएगा उन्नीस मंजिल तय करेगी अब जो ये उन्नीस मंजिल है और शुरू में कितनी है ये तो उन्नीस मंजिल आ गई ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपने कहा कि सर हमने टाइम तो निकाल लिया यहाँ पे जब टाइम क्योंकि स्पीड क्या है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है जब चीज जब ट्रेन जो है जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होती है जुड़ती हैं और जब इस साथ साथ चलती है तो घटती है ना तो यही मेरे पास में कि आप मंजिलें इस तरीके से जा रही है तो क्या हो जाएगा जब ये मेरे पास में एक ऊपर से नीचे आ रही है ऐसा आ रही है और ये ऐसे जा रही है तो यहाँ पे मिलेगी तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आप कहीं सर चालीस मंजिल पे है तो कितना हो जाएगा आप कहीं सर ये उन्नीस हो जाएगी और यहाँ से कितनी चली ग्यारह तो उन्नीस और ग्यारह कितना हो जाएगा, जाएगा? तो जाएगा? बताइए आप कहीं सर ये हो जाएगा तीस मंजिल क्या हो जाएगा आप कहीं सर तीस मंजिल पर दोनों मिलेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तीस आ जाएगा ठीक है चलिए कह रहा है किसी तार को एक वर्ग के आकार में किसकी बात कर रहा है किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और यह चार सौ चौरासी वर्ग बनाता है और इस, और इस वर्ग को ही, अगर इसे वर्ग के आकार में मोड़ा जाए पहले तो आप इसका क्या करना पड़ेगा मोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए आप कहेंगे सर मोड़ने के लिए हमें परिमाप चाहिए तो परिमाप क्या होता है वर्ग का फोर ए तो बाईस गुना क्या हो जाएगा चार बराबर कितना आ जाएगा अठासी अठासी सेंटीमीटर हो जाएगा अब ये यही क्या है इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा वर्थ के परिमाप के बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा जाएगा आपका आंसर पाई बराबर क्या हो अठासी के तो वर्थ का क्षेत्र पूछ रहा है तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा आपका आंसर ये चवालीस हो जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा चवालीस बटे पाई ठीक है यह मेरे पास चवालीस क्या हो जाएगा बाईस बटे सात और बाईस दूनी कितना हो जाएगा चवालीस ही आ जाएगा मेरे पास में चौदह और इसका एरिया पूछा एरिया क्या हो जाएगा आपका आंसर यह होता है मेरे पास में पाई आर स्क्वायर बाईस बटे सात हो जाएगा गुणा कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा दो गुणा दो गुणा सात गुणा सात यही तो होता है ये सब कट गया ठीक है बाईस चौक अठासी हो जाएगा अठासी गुणा कितना आ जाएगा सात तो सती अठी छप्पन का अंक क्या आ जाएगा इकाई का अंक छः दो में है सती अट्ठी छप्पन पाँच सती अट्ठी छप्पन पाँच और इकसठ इकसठ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर छः सौ सोलह क्या हो जाएगा आपका आंसर छह सौ सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इतनी बात समझ में आई आगे देखिए ये ये बताइए आपको पाई अब हमारे पास में क्या आ आगे डायग्राम आ गए ठीक है ये बार डायग्राम है अगला पाई चार्ट होगा इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे ठीक है इतनी बात समझ में आ गई देखिए ये मेरे पास में निर्यात का चिन्ह है और ये मेरे पास में किसका आयात का चिन्ह है आगे देखिए दिए गए वर्षों में कौन से निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयातों से सबसे ज्यादा है

ये कितना हो जाएगा पचास हजार ये हो जाएगा पैंतालीस हजार पैंतालीस हजार और कितना पैंतालीस हजार हो जाएगा नब्बे नब्बे निर्यातक क्या कहा है आपका हो निर्यातक संयुक्त निर्यातों का, निर्यात, का, का निर्यात और वर्ष दो हजार बारह की आयातों के बीच अनुपात दो हजार बारह का आयात देखना है दो हजार बारह का आयात कहा है आपका आंसर दो हजार बारह यह और आयात यह रहा ठीक है दस हजार ही आठ हजार है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर ये भी नो नब्बे हजार हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा नब्बे हजार और बटे में क्या आ जाएगा नब्बे हजार हो जाएगा ठीक है कट के आ क्या आएगा आपका आंसर एक अनुपात एक क्या आ जाएगा एक अनुपात एक आ जाएगा तो एक अनुपात एक है इसमें यह सी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही दिए दिए गए गए सभी सभी के 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 कुल कुल निर्यात और गए सभी वर्षों के, कुल आयात के बीच अंतर कितना है सबका निर्यात है ठीक है, कुल पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे चलिए आप इसे जोड़ देंगे तो बताइएंगे और उनके बीच में अंतर कितना है कर लोगे बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन ना ये इसका जो फिगर है वो फिगर हर क्वेश्चन में होना चाहिए था ये जो फिगर है ना ये यहाँ पे भी होना चाहिए था है ना मानते हो ना सभी लोग कि फिगर यहाँ पे भी आता तो हमें पीछे ना जाना पड़ता कर लेंगे ना चलिए जोड़ लेंगे सभी लोग जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है पाई चार्ट है सबसे अच्छा तो यही है क्वेश्चन इसमें भी आता है और ये बहुत आसान होता है यदि मैथमेटिक्स में आपने इसे कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप लाखों बच्चों से ऊपर आ जाओगे ठीक है तो देखिए कुल राशि कितनी दी गई है आप कहीं सर बीस लाख रुपए दी गई है कुल राशि आगे देखिए कह रहा रहे यदि साल भर में खेल पर खर्च की गई कुल राशि नब्बे लाख रुपए है ठीक है और विभिन्न श्रेणियों के बीच वितरण का प्रतिशत वही रहे तो तिरंदाजी पर खर्च की गई राशि निशानेबाजी से तिरंदाजी पर और निशानेबाजी तिरंदाजी का है आपका आंसर निशानेबाजी और तिरंदाजी ये रही अधिक कितनी आपका आंसर 20 डिग्री है 20 डिग्री है अधिक है टोटल कितनी आपका आंसर टोटल 360 डिग्री होता है और ये मेरे पास में कितना है 20 लाख कितना है मेरे पास में आपका आंसर है 20 लाख 20 एल हो जाएगा जैसा काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में नहीं वहां पे कितनी दे रखी है पाँच लाख दे रखी है ना नब्बे लाख दे रखी है सॉरी नब्बे लाख दे रखी है सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आप कहीं से नब्बे लाख आ जाएगा ये नब्बे लाख हो जाएगा ये हो जाएगा अठारह अठारह पन्जे नब्बे ये हो जाएगा पांच लाख कितना आ जाएगा पाँच लाख आ जाएगा तो ये रहा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही कह क्या कि डिस्कस थ्रो जिम्नास्टिक दोनों पर मिलाकर डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि आइस हॉकी शतरंज दोनों पर मिलाकर कुल खर्च की गई राशि के बीच अनुपात क्या है पहला आपको क्या देखना है पहला आपको देखना है प्यारे बच्चों किसकी बात कर का डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक डिस्कस थ्रो की बात कर रहा है तो डिस्कस थ्रो है डिस्कस थ्रो ये रहा प्लस जिम्नास्टिक कहा जिम्नास्टिक सत्तर डिग्री कितना हो जाएगा एक सौ दस हो जाएगा फिर कह रहा है कि कितना हो जाएगा एक सौ दस फिर उसमें क्या कहा है इस क्वेश्चन में हमारे डिस्कस थोड़ा जिम्नास्टिक दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि और आइस हॉकी और शतरंज आइस हॉकी और शतरंज आइस हॉकी और शतरंज पचपन और शतरंज कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे पास बस सो तो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ग्यारह बटे दस अनुपात तो क्या आ जाएगा आपका आंसर अनुपात आ जाएगा ग्यारह बटे दस हो जाएगा और राज का सी आंसर क्या हो जाएगा ऐसा करना बहुत आसान है ठीक है ना केवल कहाँ दिक्कत होती है जब आप उसका एवरेज लेते हो सबको जोड़ते हो फिर उससे भाग करते हो कितनी संख्याएं हैं है आ, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या इसे ही तो करते हो औसत निकालने के लिए उसमें केवल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है और कुछ भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती केवल इसमें है मैंने इसमें खर्च का यूज नहीं किया क्योंकि जब अनुपात की बात करता है तो खर्च का कोई मतलब नहीं बैठता अनुपात की बात करता है तो वो अपने आप ही कट जाता है इसलिए थोड़ा सा माइंड लगाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चनों कोशिश करेंगे सोल्व करने की ठीक है आगे देखिए <coughs> कह जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राजी जो है तिरंदाजी पर दोनों मिलाकर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है यह चीज पूछ रहा है सब कर लेंगे सोलह हो जाएगा देखिए रीजनिंग कह रहा है कि अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को कौन सा दिन था अरे भैया 2010 है 2011 हजार सॉरी बच्चों आठ मार्च दो हजार दस को सोमवार है तो अगले साल की बात करें तो एक दिन बढ़ नहीं जाएगा क्या हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा तो सोमवार का क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा कह रहा है कि नीचे देगा आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का पता लगाए ठीक है माध्यिका आपको देखना है कि कितने नंबर है हमारे पास में ओड है की वन है बहुलक देखिए कितने है मेरे पास में सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं आपको आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा लाइन लगी हुई है ग्यारह ग्यारह की देखिए एक ठीक है दो तीन चार ये हो जाएगा ये हो जाएगा सात ठीक है ये हो जाएगा आठ ये हो जाएगा नौ ठीक है नौ बार तो ग्यारह ही तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर बहुलक है तो एक तो ये हो, हो, हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ठीक है चलिए अब इसका क्या करेंगे माध्यिका निकालेंगे माध्यिका निकालने के पद देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस पद है मतलब ओड है तो इसमें क्या करेंगे एक में एक जोड़ देंगे मीडियन निकालने के लिए इक्कीस में एक जोड़ देंगे क्या क्या हो हो जाएगा 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 आपका करेंगे? आपका आंसर आंसर ये बटे आ लेकिन लेकिन करेंगे पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे ये तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए चाहे घटते हुए क्रम में लगाइए पहले आप इसे लगाएंगे तब इसका मीडियन आएगा बहुलक तो मैंने आपको बता दिया बहुलक क्या आ जाएगा आपका आंसर बहुलक आ जाएगा इसका ग्यारह ये ग्यारहवा पद होगा क्या जाएगा गैरों पद होगा पहले आप इसे क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लगाएंगे आप ही का काम है बढ़ते क्रम में लगाइए ठीक है ये आपका काम ऐसे लगाना पड़ेगा आपको कह है कि नीचे राशि दी गई है त्रिभुज जो है डॉक्टर है और व्रत जो है विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है वर्ग जो है धनी व्यक्ति को दर्शाता है ऐसे विवाहित डॉक्टर ऐसे विवाहित ऐसे विवाहित डॉक्टर ऐसे विवाहित व्यक्ति जो डॉक्टर हैं और धनी नहीं है धनी नहीं है धनी व्यक्ति नहीं है तो भैया इसे हटा दो इस पूरे हिस्से को क्या कर दो आप हटा दो इसका कोई यूज नहीं है ठीक है पाँच तीन नौ छः देखो पाँच तीन नौ छः इसका आंसर हो जाएगा चार क्या आ जाएगा एक सौ चार का आपका कहीं सर एक सौ चार का हमारे पास में आंसर आ जाएगा चार हो जाएगा ठीक है ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा मैंने कुछ किया मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया जो नहीं कहा उसे हटा दिए बाकी आंसर आगे देखो तीन ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए कह रहा है कि नीट इन फू का अर्थ क्या है हावा यू है नीट इन से का मतलब क्या है वेयर आर यू वेयर का कोड क्या होगा ये चीज आपसे पूछ रहा है तो देखिए हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू ठीक है तो मेरे पास में इसमें कॉमन क्या हो जाएगा नी हो जाएगा टिन हो जाएगा नी हो जाएगा टिन हो, हो जाएगा तो वेयर का क्या बचा आप कहें सर वेयर का बचा मेरे पास में से बचा क्या हो जाएगा क्या बच्चा जाएगा आपका कहीं सर से बचा जाएगा तो बेहद आसान क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए था आप लोगों को जिस प्रकार कलम का संबंध कवि से है उसी प्रकार सुई का संबंध किस्से दर्जी से वस्त्र से सिलाई से बटन से कवि कलम से लिखता है सुई से दर्जी कपड़े बनाता है ठीक है कपड़ों को सीलता है तो एक सौ छह का क्या आ जाएगा ए हो जाएगा कह रहा है कि अगली संख्या क्या आएगी आपसे पूछ रहा है बताइए आपसे जानना चाह रहा है कि अगली संख्या क्या आएगी बताइए बताएंगे सभी लोग कह कि निम्नलिखित संख्या को संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह चीज आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा आपका आंसर यह आठ है सत्ताईस इससे तो देखने से ही कुछ पता लग रहा है इसे देखने से ही तो आपको तो आप कहीं सर ये तो हमें पता है दो का क्यूब है तीन का क्यूब है चार का है पांच का है छह का है, दो सौ सो सोलह आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका यहीं सर दो सौ सोलह कुछ भी नहीं सोचना ये दो का क्यूब हो जाएगा ये मेरे पास में तीन का क्यूब हो जाएगा ये चार का क्यूब हो जाएगा ये पांच का क्यूब हो जाएगा ये मेरे पास में छ का क्यूब हो जाएगा जिसका आंसर क्या होता है दो सौ सोलह ये है मेरे पास में कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी है टी के तुरंत पहले क्या है पी है लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं है इसके लास्ट में एस नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखिए मेरे पास में क्या है टी से पहले पी देखे कहाँ हैं आप कहीं टी से पहले टी को फोकस कीजिए टी से पहले क्या है आपका आंसर एक पैर तो ये बन गया ठीक है बाद एस नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा टी के बाद क्या है आपका आंसर पी नहीं है तो गलत के बाद पी है आपका ए ही बन गया टी से पहले पी है ऐसा नहीं है ए ही बन गया टी से पहले पी है लेकिन ऐसा ही ये छोड़ दीजिए तो एक दो तीन कितने बन जाएंगे आपका बन राइट आंसर मेरे इसका आंसर क्या जाएगा? 108 का, 108 का हो जाएगा एक सौ आठ का एक सौ आठ का डी हो जाएगा देखिए क्या स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाइए और तब, तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे पूछ रहा है स्विच कितना होता है उन्नीस होता है ये तेईस हो जाएगा ये मेरे पास में कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा ये हो जाएगा बीस और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में तीन हो जाएगा और ये हो जाएगा आठ ठीक है? तो, है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर ये मेरे पास में तीन आ जाएगा ये आठ आ जाएगा ये मेरे पास में नौ हो जाएगा ये मेरे पास में क्या आ जाएगा उन्नीस हो जाएगा ये बीस हो जाएगा ये हो जाएगा तेईस तो केवल एक ही ऐसा है जो रिपीट हुआ है एक ही ऐसा है मेरे पास में जो रिपीट हुआ है तो कितना आ जाएगा 109 का 109 का सी हो जाएगा 109 का सी हो जाएगा देखिए क्या है कि आपका पड़ोसी उच्च आवाज में संगीत चलाता है जिसमें आपको परेशानी होती है आपकी समस्या को उसके ध्यान में लाया जाता है लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता आपको क्या करना चाहिए आपको उसके जो संगीतज्ञ जो है बन रहा है वो ठीक है जो आपको पड़ोसी है संगीत चला रहा है गाने गा रहा है ठीक है तो बताएंगे इसका आंसर आप क्या लगाएंगे बताइए आप उससे जाके मिलेंगे बातचीत करेंगे कि भैया रहने दे तो हम आवाज में चला लीजिए ऐसा मत चलाइए कि बहर वाले डिस्टर्ब हो लेकिन वो क्या है दिल टूटा हुआ आशिक है ठीक है दिल टूटा हुआ आशिक है उसे जाना है किसमें वो क्योंकि मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए साउंड कुछ भी चलता रहे बाहर कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में लगा हुआ है बस वो कहेगा कि ठीक है कर लूंगा कब मैं ठीक है उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए जो मैंने बताया वही तो करना चाहिए आपका ही सर सही है ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है शोर से छुटकारा पाने के लिए उसके घर के सभी दरवाजों खिड़कों को बंद कर देना चाहिए ऊंची आवाज पर संगीत चलाना चाहिए ताकि उसको महसूस हो सके कि यह कितना परेशान करने वाला हो सकता है मतलब उसने छोटा सा स्पीकर चला रखा है आपने क्या किया उसे घर के सामने या घर के बराबर में आपने डीजे रख दिया बड़े बड़े बॉक्स वाला क्या भैया देखिए हम भी कम नहीं है किसी से तो ये क्या हो जाएगा आप कहीं सर नहीं इस पड़ोसी के व्यवहार की प्रकृति के बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करनी चाहिए क्या आप जाएंगे बराबर वाले के पास भैया वो तो बहुत खराब है गाड़ी चला रखे हैं आप कहीं सर नहीं ये कोई सोल्यूशन नहीं है आप कहें सर ये पॉजिटिव है ये बिल्कुल सही होगा क्या रखिए सुबह सबनम और अमीन

111 का ए आ जाएगा ठीक है आगे देखिए बताइए कह रहा है कि केवल एक अंक वाली दो संख्याएं 4 और 8 को बदल दी अदला बदली करने पर निम्नलिखित चार समीकरणों में से कौन सा एक समीकरण नहीं होगा बताइए आप इसकी अदला बदली कर लीजिए कौन सा नहीं होगा 54 78 हो जाएगा 140 ये हो जाएगा 36 ठीक है 4 और 8 को आपस में बदल दीजिए 4 की जगह 8 कर दीजिए 8 की जगह 4 कर दीजिए ठीक है देखो यदि आप क्या करेंगे कौन सा एक समीकरण नहीं होगा यहाँ पे चार कर देंगे तो बताइए क्या अठहत्तर आ जाएगा निम्न में चार समीकरणों में निम्न में से कौन सा एक समीकरण नहीं होगा आप देखो ये पहले मेरे पास में क्या आ जाएगा चार ही हो जाएगा आठ तो एक बटा दो आ जाएगा क्या ये आंसर आ जाएगा इसका आप कहेंगे सर एक सौ बारह में तो क्या आ जाएगा आप बोलेंगे सर इसमें केवल एक चीज़ होगी परिवर्तन करने पर कौन सा समीकरण नहीं होगा मतलब समीकरण होगा कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों समीकरण होगा समीकरण होगा ठीक है क्योंकि पहला तो देखो होगा नहीं क्यों क्योंकि यदि आप यहां पे चार ले आते हो यहां पे आठ ले आते हो तो क्या किस्म आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा तो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यह देखो इसे यहां पे ले आइए चार को यहां ले जाइए तो ये हो सकता है ये वाली चीज़ हो सकती है बी देखिए क्या है सत्तावन माइनस कितना हो जाएगा आपका आंसर ही आ जाएगा यह हो जाएगा चार डिवाइडेड बाई दो गुणा क्या आ जाएगा आठ प्लस कितना आ जाएगा तेरह ठीक है कितना आ जाएगा दो दूनी चार हो जाएगा सत्तावन माइनस कितना आ जाएगा सोलह क्या कहेंगे आपका आंसर सत्तावन माइनस के सोलह प्लस कितना हो जाएगा तेरह तो सत्तावन माइनस के कितना हो जाएगा तीन कितना हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा चौवन कितना हो जाएगा आपका आंसर सर चौवन हो जाएगा ये राज का बी आंसर क्या कहेंगे आप बोलेंगे सर एक सौ बारह का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखिए कह क्या रहे क्या, स्कूलों में योगा और ध्यान अनिवार्य किया जाना चाहिए हाँ योगा और ध्यान छात्रों को बेहतर एकाग्रता रखने में मदद करता है जो अंतर उसके अध्ययन में मदद करता है नहीं बच्चे पहले से ही इतने सारे काम में व्यस्त होते हैं और वे योगा और ध्यान ध्यान के लिए अपने मूल्यवान समय को समर्पित नहीं कर सकते हमेशा पॉजिटिव पॉइंट देखना है तो क्या हो जाएगा आंसर ये गलत हो जाएगा ये सही हो जाएगा केवल एक तर्क हो जाएगा ठीक है देखो जी ये शुरू हो गई कह रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर का हो जाएगा परावर्तन क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको परावर्तन की जरूरत पड़ती है आप बोलेंगे तभी तो पीछा आएगी आवाज सोनार जो होता है इसी पे तो बेस काम करता है सोनार साउंड नेविगेशन एंड इसी सिद्धांत पर काम करता है देखिए कह रहा है कि अंडे की सफेदी में प्रो, मौजूद प्रोटीन जो विटामिन के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है कौन सा हो जाएगा एल्ब्यूमिन हो जाएगा ग्लूटामाइन कैरोटीन हो जाएगा या एविडीन हो जाएगा तो एक सौ पंद्रह में क्या आ जाएगा आपका आंसर इसमें पाया जाता है एल्यूबिन एल्ब्यूमिन पाया जाता है ठीक है आगे देखिए सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया तो बहुत आसान है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य है बिंदुसार है अशोक है कोटिल् है तो बताएंगे एक सो क्या हो जाएगा आपका आंसर यह हो जाएगा सी क्या आ जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा एक, सर, एक सो का भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत की तृतीय लड़ाई बताइए ये तो बहुत आसान है 1526 की बात कर रहा है आप सर इक्कीस अप्रैल पंद्रह ठीक है क्या कहेंगे पूरी घटना का नाम क्या है पूरी घटना का नाम है हमारे पास पानीपत का तीस प्रथम युद्ध हो जाएगा ठीक है क्या कहेंगे आप कहीं सर पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ छब्बीस उन्नीस सौ छब्बीस किसके किसके बीच लड़ी गई थी आप कहेंगे सर ये हमारे पास बाबर के बीच में लड़ी गई थी और अफगानी इब्राहिम लोधी है ना क्या कहेंगे आप कहेंगे सर बाबर वर्सेस ऑफ इब्राहिम लोधी ठीक है चलिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता था चंद्रशेखर आजाद सूर्यसेन बाल गंगाधर तिलक या मेरे पास में विपिन चंद्र पोल ठीक है बताइए एक सौ अट्ठारह क्या हो जाएगा आप कहें सर जिसमें आपने देखी भी होगी मूवी है मास्टर दा की मूवी भी देखी होगी आपने तो किन कहा जाता है आप कहें सर सूर्यसेन को कहा जाता था ठीक है मास्टर दा कह रहा है कि शारदा कानून किस से संबंधित है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है शारदा कानून किससे संबंधित है सती प्रथा बाल विवाह सती विवाह या दहेज प्रथा बताइए शारदा कानून जो है हमारे पास में किससे संबंधित आपका आंसर बाल विवाह है ठीक है बाल विवाह है शारदा आपका आंसर यह रहा मेरे पास में शारदा बाल विवाह से हो जाएगा और ये कब हुआ था आपका आंसर उन्नीस सौ उनतीस में उनतीस उन्नीस सौ उनतीस में लाया गया और किसके साथ लाया गया आपका आंसर लॉर्ड इरविन इनके टाइम काल में इसे लाया गया था आगे देखिए कह रहा है कि डैस भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए क्या लक्षित किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री उज्ज्वला सुकन्या समृद्धि और इंद्रधनुष माता पिता के लिए लक्षित बालिकाओं के लिए ये उज्ज्वला किसका है आप कहेंगे सर बेटी के लिए इसके लिए है बिजली के लिए ठीक है तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में आप कहेंगे सर इसके लिए तो केवल एक ही चीज बनी हुई है वह सुकन्या समृद्धि क्या है सुकन्या समृद्धि है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 120 का क्या हो जाएगा 120 का हमारे पास में सी हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई सभी के बताएंगे सभी लोग आगे देखिए कह क्या भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्य पूछ रहा है गन्ना उत्पादक राज्य बताएंगे एक सौ इक्कीस का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर एक सौ इक्कीस का हो जाएगा हमारे पास में जिसमें हम रहते हैं ठीक है किसमें रहते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था शहरीकरण देखो ऐसी ऐसी थीम भी पूछ लेगा आपसे पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई किसके टाइम काल में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी उसका मोटो क्या था दूसरी तीसरी इस तरीके से ठीक है सारी चीज आपको याद रखनी है बताई कौन सी है शहरीकरण एक सौ बाईस का क्या हो जाएगा आपका ये सर इसमें हमारे तो पास आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण इसका आंसर हो जाएगा गैरी पंचवर्षीय योजना जो पंचवर्षीय योजना थी इसका ट्यूर क्या था बताइए आप कहीं सर एक अप्रैल दो को ये की गई थी क्या जाएगा? आप कहें एक अप्रैल दो हजार सात और 2007 में पांच जोड़ देंगे तो मेरे पास बारहवीं आ जाएगी क्या राय ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है पृथ्वी घूमना है ठीक है द्रुव्य उच्च वायु भार है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है या अनियत वायु क्या हुआ है हवाई है एक का क्या हो जाएगा आपका आंसर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब गुरुत्वाकर्षण होता है तभी क्या होता है पानी उठने लगता है क्या भारत की सबसे बड़ी तटीय छिचली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे छिचली झील लैगून कौन सी है पांग साह लदाख में है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश खारा झील कहा हो जाएगी राजस्थान में छिलका झील यह हो जाएगी उड़ीसा में बताइए 124 का क्या हो जाएगा आपका आंसर 124 का हो जाएगा हमारे पास में चिलका झील क्या आ जाएगा छिलका झील हो जाएगा जो कहा है उड़ीसा में है ठीक है चलिए बताते रहिए डी आंसर आ रहा है सभी का सभी का डी आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए हाँ हाँ सर पहला वाला गलत हो गया कोई बात नहीं बाकी देखते रहिए गलत नहीं होना चाहिए बस ठीक है चलिए आगे देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कह रहा है कि दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के बारे में कौन सा युग्म सही है एक हजार पुरुष पर कितनी स्त्री थी यह चीज आपसे पूछ रहा है एक सौ पच्चीस का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर एक हजार दो हजार ग्यारह के अनुसार पूरे भारत की ठीक है ना तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सर एक हजार पुरुष पर एक हजार पुरुष पर नौ सौ चालीस स्त्रियां थी ठीक है क्या आ जाएगा एक सौ पच्चीस का हमारे पास में ए हो जाएगा ठीक है बताइए इतनी बात समझ में आएगी बताइए ठीक है ना आगे चले आगे चलिए और इसका देखना इसका नौ सौ तैतीस हो सकता है नौ सौ चालीस भी हो सकता है नौ सौ भी देखना एक बार ये डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में दो रंग होते हैं लाल और कौन सा होता है लाल रंग होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका पुलिस पुलिस वाले बनने वाले पुलिस बनने वाले बनने बनने हैं तो लाल लाल और क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आपका सर, नीला रंग खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है ठीक है कह रहा है छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में भोजपुरी में है ब्रज भाषा में है खड़ी भाषा में है या मेरे पास में उर्दू में है आप कहीं सर भाषा में है ठीक है क्या कहेंगे आप कहीं सर भाषा में आगे देखिए अट्ठाईसवीं का बताइए क्या हो जाएगा आप कहीं सर छठी शताब्दी से पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था आप कहीं सर सुरसैन इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना है इस क्या कहा जाता था आप बोलेंगे सर सूरसेन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ठीक है कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर तो प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है क्या कहेंगे पारंपरिक शिल्प नहीं है एक सौ उनतीस का क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर जरदोजी भी है चिकनकारी भी है और संगमरबन का जड़ना भी है लेकिन कांठा कांठा टाके नहीं है और जो कांठा टाके ये कहाँ का है बताइए एक सौ उनतीस में आप कहेंगे सर ये बंगाल का है कहाँ का है पश्चिम बंगाल का है ये उत्तर प्रदेश का है ये तीनों किसके हैं आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के कह क्या पैंतालीसवें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं पैंतालीसवें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है मन्नाडे हैं ठीक है प्राण है गुलजार है अमिताभ बच्चन है बताइए पैंतालीसवें की बात कर रहा है एक सौ तीसवें क्या हो जाएगा आपका आंसर गुलजार साहब है ठीक है आगे देखिए कह रहेगी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ठीक है बताइए सत्ताईस अक्टूबर चार मार्च सत्रह मार्च हमारे पास में क्या हो जाएगा ग्यारह नवंबर क्या जा हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा ग्यारह नवंबर चलिए बहुत बढ़िया ठीक है मैं देख पा रहा हूँ कि जो शिवम है शिवम त्यागी जी हैं फिर हमारे पास में राज शेखर जी हैं बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही करते जाना है तुरंत आंसर देते जाना है ठीक है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है ग्यारह जून है अट्ठाईस सितंबर है चौदह सितंबर है मेरे पास में और दस अक्टूबर है बताइए कौन सा होगा एक सौ बत्तीस का क्या हो जाएगा आपका आंसर एक सौ बत्तीस का हो जाएगा मेरे पास में चौदह सितंबर सिंपल है क्योंकि दो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कश्मीर द ईयर्स कश्मीर द ईयर्स नामक किताब किस लेखक के द्वारा लिखी गई है ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है ठीक है ना आप ये संजय जैन हो जाएंगे ठीक है आर एन पी सिंह हो जाएंगे ए एस दुल्त हो जाएंगे वरुण यादव हो जाएंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे सर ए एस दुल्लत हो जाएंगे ए एस दुल्त हो जाएंगे आगे देखिए क्या रहेगी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक है आपसे पूछ रहा है शरद पवार है मनमोहन सिंह है प्रणब मुखर्जी है इंदिरा गांधी है क्या है इंदिरा गांधी है ये चीज पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या एक सौ का क्या हो जाएगा आपका आंसर आंसर इसका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी क्या कहेंगे आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है बताएंगे मेमोरी को क्या कहा जाता है आपका आंसर उसे कहा जाता है एस रैम क्या कहते हैं आप कहेंगे सर एस रैम कहा जाता है और ये होता है स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है इसे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कह रहा है कि अनसोलिटेड ई मेल को क्या कहते हैं हमारे पास में जो अनसोलिटेड ई मेल होती है उसे क्या कहते हैं आप कहेंगे सर उसे स्पैम कहा जाता है क्या कहा जाता है स्पैम के नाम से जाना जाता है आगे देखिए क्या कि डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया क्या दिया गया मताधिकार दिया गया तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा एक का आपके सामने क्या आंसर होगा बताइए तो क्या कहेंगे आप कहीं सर जो एक है हमारे पास में केवल इसमें किस में की गई थी उन्नीस में भारत सरकार अधिनियम उन्नीस उन्नीस में इसके बारे में बात की गई थी बताइए एक सौ अड़तीस का क्या हो जाएगा कह रहे कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है आप कहेंगे सर भारत के राष्ट्रपति इसमें कुछ है कुछ भी नहीं है भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट आंसर दे दिया कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक ठीक है जारी करता है ये चीज आपसे पूछ रहा है बताइए आप कहेंगे सर ये मेरे पास में क्या करेगा आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ये कौन करता है आप कहें सर बी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा यही हंगड़ इंडेक्स निकालते हैं बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है 140 पूछ रहा है 140 का क्या हो जाएगा नाइजीरिया ठीक है सी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही कह कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का डैश है ठीक है सिक्सटीन है देखो ये तो आपको पता भी होगा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना पता हो एक में आप कहेंगे सर ये जो आंसर लगाया है यही है इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं ठीक है आगे देखिए कह रहे कि हाल ही में आई पीई एफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया एक क्या हो जाएगा आपका आंसर इसकी बैठक का आयोजन किया गया था हमारे पास वो में सिंगापुर mm. में करंट अफेयर शुरू हो गए ध्यान रखना है कह रहा है हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया विशाखापत्नम है विजावाड़ा है अमरावती है तिरुपति है बताइए एक सौ तिरालीस का क्या हो जाएगा आपका आंसर ही हो जाएगा अमरावती ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा अमरावती ठीक है आगे देखिए कह रहा है कि जून 2024 में आईसीसी में आईसी ट्वेंटी विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर कर विश्व कप खिताब जीता आपका आंसर दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका को हराया था टी में ठीक है ना तो एक का क्या हो जाएगा सी एक का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है आगे देखिए कह रहा है कि मार्च 2024 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया था आप बोलेंगे सर प्रभाव वर्मा को किसे दिया गया प्रभाव वर्मा को दिया गया था हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 आयोजन चौबीस आयोजन कहा गया गांधीनगर अहमदाबाद मुंबई गोवा आपका सर गांधीनगर गुजरात में ठीक है क्या जाएगा एक 140 का ए हो जाएगा जी बात समझ में ड्री ड्री फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये क्या है अरुणाचल प्रदेश ठीक है क्या हो जाएगा इसका एक का ये हो जाएगा कह रहा है कि एक 148 में क्या कहा है एक सौ अड़तालीस में हमारे पास कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है साजो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले या पिछले वाले सेट में बताया था हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा एक सौ अड़तालीस का सी हो जाएगा ठीक है आगे देखिए कह रहेगी पाउल कट पाउल कट राज्य में मनाया किस राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार है पाउलट देखो जितने भी मैंने ये डाले हैं ना पेपर में ये जितने भी डले हैं ये मान के चलिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के ही हैं और मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के ही पूछे जाते हैं समझ में आए साउथ के नॉर्थ ईस्ट के।, के कह रहा है कि मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की प्रणनीति के चिन्ह करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है ठीक है ईद उल फितर है मुहर्रम में मिलादु नबी है ईद उल अजहा है आपका आंसर बकरा ईद है ये क्या हो जाए मेरे पास में आपका आंसर डी आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा अब ये जो सेट हो गए ये हमारे पास में तो प्रैक्टिस सेट नंबर तीन था ये क्या हो गया प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया अब इस इन क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग को देख के जाना क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग और हिंदी आपको पेपर क्वालिफाई करा देगी सौ परसेंट गारंटी है ठीक है लेकिन गलत नहीं करना है एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए ठीक है अब बहुत अच्छे से करके आना पेपर को मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीन हो गया अब मैं आपको कल क्या कराऊंगा प्रैक्टिस सेट नंबर फोर कराऊंगा सारे क्वेश्चन क्या है इसमें स्टैंडर्ड है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पैटर्न सेम टू सेम सेंट बनाया गया है समझ में है चलिए प्यारे बच्चों अब कल मिलेंगे आपसे ठीक है अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप सभी लोग क्या कर रहे हैं पढ़ते रहेंगे कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा ठीक है चलिए पहले बच्चों कल मिलते हैं नमस्कार थैंक यू धन्यवाद